एस्टैब्लिशमेंट जो बलूचिस्तान के बलोच इंडिपेंडेंस के लिए, फेडरल ऑटोनॉमी के लिए, बेटर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो लोग बात कर रहे हैं, हुसो एवर इज़ अपोजिंग द करेंट गवर्नमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ टेकिंग देम, अरेस्टिंग देम. और मेन प्रॉब्लम इज़ नॉट द डिटेंशन, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है भैया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, कस्टोडियल डेथ्स, यस कस्टोडियल डेथ्स आर हैपनिंग, यस, कस्टोडियल वायलेंस एंड डिसअपियरेंसेस आर हैपनिंग, राइट? व्हाट इज द एस्टैब्लिशमेंट डूइंग इन दिस? द एस्टैब्लिशमेंट इज लार्जली इन्वॉल्व्ड वेयर इज नॉट अलाउइंग द पार्लियामेंट, राइट, रीच टू अ पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन व्हाट इज टू बी डन विद रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान. नाउ बलूचिस्तान के जो रीजन है पाकिस्तान का, इट इज़ अ बाउंड्री टू विच टू कंट्रीज, एक तो ईरान बलूचिस्तान, है, यस, ईरान एंड इंडिया, अफगानिस्तान. अफगानिस्तान. दैट इज़ वट वी नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, दैट बलूचिस्तान इज़ वन सच रीजन विच हैज़ अ बाउंड्री फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट विथ ईरान एंड अफगानिस्तान. वट इज़ द अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान दैट वी हैड डिस्कस्ड, दैट वाई पाकिस्तान इज़ गिविंग इट स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस? वट इज़ द स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान? सो बिकॉज इट इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्टल लाइन, सो विच दे हैव कोस्ट? द एक्सेस टू ओके, दैट्स वन, दैट्स ओके. मेजर पोर्ट्स हैं भैया, ड्यू अमेरिकन टू कोस्ट मेजर को आती पोर्ट्स है इन यस एबीएमसी. यस ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट के बारे में, राइट, यस विच भैया, इज ग्वादर पोर्ट इज देयर दैट वी हैड डिस्कस्ड इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट. अच्छा, ग्वादर पोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान्स टाइज विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया. सर चाइना. यस सॉरी, वेरी गुड, चाइना. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना? बिकॉज देर इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट चाइना हैज प्रपोज्ड. यस सूरज, सीपैक, सीपैक, वेरी गुड राघव. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रपोज्ड इन 2000. देन देर इज वन कोस्ट दैट हैज कम इन टू पिक्चर. कोई नाम था उस कोस्ट का, कोस्ट लाइन को पूरा कहते थे कुछ, मराक्कन कोस्ट. अरक्कन कोस्ट, अरकन कोस्ट, अरकन कोस्ट, हाँ, अराकन कोस्ट की मराक्कन कोस्ट, अरकन कोस्ट. अरकन आर्मी है सर, अरकन आर्मी है म्यांमार की, अरकन कोस्ट है. सर क्या कंफ्यूज कर दिया भाई, एक सेकंड. हाँ, दैट्स, दैट इज़ वाई, दैट इज़ द पॉइंट. अगर ऑप्शन में लिखा रहेगा तो यू विल मिस द लॉज, भूल जाओगे. तो भरवाने का पाकिस्तानियों का है ना, मराकन कोस्ट, ठीक है, वो करवाने का काम, करवाने का काम पाकिस्तान का है, तो मराकन कोस्ट इज़ ए पाकिस्तान, ठीक है. दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर. सी अगेन आई विल से, these are the mnemonics that we create, is the process, कर सकते हैं. अब यही अगर हम एक एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के अंदर, राघव हम लोग स्पेसिफिसिटीज पे नहीं जाते हैं, ठीक है, अपनी किस्मत मरवाने का काम राघव, राइट. अगर यही फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता तो ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता था, बट That's like we can. By the way, Poonam Pandey is alive. Oh, sir, देखी वीडियो वो भेज दी टेलीग्राम पे. सर मैं तो जहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन वाले खुश हो गए. सब्सटीट्यूशन वाले, सब्सक्रिप्शन वाले भैया. Oh, सब्सक्रिप्शन. Sorry, dear. Let's not cross the boundary. But who waste money for subscriptions when things are available? Now coming back to the logic,
I think girls, the ladies in the room will not appreciate the guys talk because we are actually sitting around. So coming back to the very important topic today that we are going to discuss, that topic is what is going on in Assam as of now. There is this organization, ULFA, United Liberation Front of Assam, not Assam, Assam, A-S-O-M. ULFA, right? And that organization, we had seen an editorial with respect to that organization. Anybody can recall what is the editorial about? Kisi ko yaad hai? The editorial, what was the context of the editorial? Come on guys, quick on this. Quick on the editorial part. What was the editorial about? Sir, wo agreement hua tha. Yes. And the agreement. Tripartite agreement. Great. And it was with respect to what? So the moment we had seen abhi Balochistan wala issue, the same types of arguments and logics are going with respect to Assam also. So why is this important? Why is this particularly important for CLAT? Does it have any relevance with respect to CLAT? Is it like, are these types of questions there in CLAT? So AFSPA is one issue which had appeared in 2022 ka CLAT ka paper. Why? Because there was this National Socialist Council of Nagaland, NSCN, which was a student union body that wanted a separate states for Nagas. That organization had come into a tripartite agreement, very similar to what we had seen with ULFA in the month of January in 2021. And that is why in CLAT 2022, in the month of October, that agreement was signed. And in December CLAT 2021, when CLAT 2022 was there, right? This passage did appear, 5 questions. Why it is important for CLAT? Why do we study it? Because it is with respect to political integration of India. Now, in political integration of India, it is also important that what is the importance that we have given to scheduled tribes, scheduled areas, and certain northeastern states. We treat them differently. We treat them differently. Just like in person, there are persons with. Some people are born with disability, some people are into accidental disability and all of this. So state treats them differently. Differently in the sense the states is compassionate towards them. On a similar note, these are the regions, scheduled areas for scheduled tribes, nomadic tribes, denotified tribes, okay, and the northeastern states who are treated differently. All right. Now if I ask you one question very generically. Which among the following countries do not have boundaries with Assam? Okay, think about it. Which among the following countries do not have boundaries with Assam? And there can be more than one. One, Bangladesh. Two, Myanmar. Three, China. And fourth, Tibet. Which among the following countries do not have boundaries with Assam? Please don't Google it. Please don't look into the map. Just tell me generically. So it's Bangladesh, Myanmar, China, and Tibet. Manisha has already answered. Very quick to answer. Myanmar, China, and Tibet. Good, Manisha. You have a good sense of geography. That's very great. These three countries do not share boundary with Assam. Okay. Now, if I say that in history, Assam has witnessed a lot of migrants, illegal migrants coming from different country, which country would it be? Myanmar. Here, Myanmar does not have a boundary with Assam. So, how can people from Myanmar directly reach into Assam? Think about it. Isn't it, Ashish?
म्यांमार इज बांग्लादेश 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 भूटान भूटान डज नॉट हैव आई मीन नो मनीषा आई थिंक यू हैव रेड द आर्टिकल सो यू आर पुशिंग योर लॉजिक्स भूटान से माइग्रेशन नहीं हुआ है आसाम की तरफ जो माइग्रेशन हुआ है वो बांग्लादेश की तरफ हुआ अच्छा ये माइग्रेशन किस वजह से होता है यूजुअली what are the causes of migration let us say today you want to migrate away from uttar pradesh why would you migrate from uttar pradesh sir job opportunities pardon Raghav job opportunities all right better livelihood mm-hmm. livelihood okay job opportunities is a means to achieve a better livelihood so we can migrate from better livelihood any other reason safety purpose here Do you feel unsafe in Uttar Pradesh? No, no, please. No, भैया जैसे कि कोई war हो जाए या कोई threat हो life का तो danger to life persecution because of state sponsored or non state sponsored persecution, right? We can move away for that reason as well. What is the other reason that we can migrate that we might migrate for? And that concept is very unique to India. Yes, Priya, can you answer? Why would we Arpita, that's not migration. That's like absconding. Agode. Arpita keh rahi hai, apraad kar diya ho to main migrate kar rahi hu. That's not migration, dear. That's like bhagna wahan se. My question is Shreya. Shreya is a new entrant in our class today. Shreya, can you answer? Would you want to answer? Why would you migrate per se? I have given you a very common clue. That situation is very unique to India. Okay. Environment. All right. Manisha, yes, Ashish. Equal representation in अगर discrimination अगर हो रहा होगा तो इस टाइप से लाइक माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन उत्तर प्रदेश में अगर कभी हुआ तो माइग्रेट करके जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मे बी वहाँ जा सकते हैं प्लीज डोंट प्रमोट योर पॉलिटिकल एजेंडाज हियर आशीष राइट यू आर ट्राइंग टू गिव देम एन ऑल्टरनेटिव नो दैट्स नॉट द रीजन आशीष कम ऑन छोटे से छोटी बात छोटी छोटे से छोटी अरे सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब लोग इसलिए माइग्रेट करते हैं कर छोटी सी छोटी बात पर सजा देते होंगे लोगों को भैया मनीषा कैन यू इलैबोरेट द कल्चरल रीजन By the way, Manisha is allergic to speaking, so she does not unmute herself. She always writes. Right. Arpita is saying because of increase in population. Yes, because of increase in population, we will migrate. Because of climate change, we can migrate. So somebody mentioned, Arpita also mentioned environmental reasons. Definitely, both the reasons are correct. Cultural reason, Manisha, would you want to elaborate cultural reason? I am a Keralite in UP. If I am a Keralite in UP, so why did you migrate from? I mean, come on, we can expect people moving from UP to Kerala, but from Kerala to UP, what sake? What good purpose have you migrated? Sir, human rights issues हो सकते हैं. वो हो गया. वो सब कर लिया हम लोगों ने. Sir, like जैसे अगर land rights वगैरह चीज. अगर शादी शादी मैरिज आई मीन कम ऑन यू पीपल आर नॉट यूज मैंने क्या बोला दैट कंडीशन इज वेरी यूनिक टू इंडिया सो गर्ल्स माइग्रेट बिकॉज ऑफ मैरिज सर लाइक इफ आई एम अ मुस्लिम बॉर्न इन इंडिया आई वुड वॉन्ट टू मूव टू सऊदी दैट्स एन अजम्पशन मनीषा बाय द वे सर जो है वो तो जान ही रहे मनीषा दैट्स एन अजम्पशन नो व्हाई वुड पीपल वॉन्ट टू मूव टू सऊदी That's like a very generic assumption. For cultural reasons, you want... See, migration means that it's not like a casual migration. Migration means you are going there to settle permanently. Or you don't want to come back. That's one of the reasons.
So when you say cultural reason in India, I thought you were telling me, sir, marriages. Please understand, लड़की शादी करती है तो migrate करती है. Most of the times वो within the state करती है, but at times वो outside the state भी कर सकती है. That condition is very unique to India. So expand your horizon. Think practically. आसपास के examples को देखा करो. Nonetheless, what was going on in Bangladesh at one point of time was that because of dearth of opportunities, lack of resources, for that matter facing persecution or lack of state support or too much you can say stringent culture, the presence of culture, a lot of Muslims from Bangladesh started to migrate towards Assam. Now what this Assamese people started to feel at one point of time was that it's a very small geography where we are located. Assamese people have a very different language, they have a very different culture, they do not practice and profess the religion that we see in the hinterland of India and all of that, right? So they consider themselves to be very differently placed than other Indians. Now, during 1960s and 1970s, India was having a lot of tussle with China, Pakistan and Bangladesh. At that time, it was not Bangladesh, it was, you should remember, it was always West Pakistan. Before 1971, it was called as West Pakistan. So many Muslims in search of opportunities and all of this, because planters, Bangladeshi Muslims who were planters, tea planters, started to migrate towards Assam. This created another problem in Assam, a sense of alienation that the local people were feeling. They were feeling that these people will come, take away our jobs, take away our lands, and we will be reduced to minority in our own native home. So this condition was there in 1960s and 1970s, and that actually led to few of the young boys coming together, assembling together, and they created an organization which was called as ULFA, United Liberation Front of Assam. Sir, Meghalaya kyun nahi gaye ye migrants? Because Meghalaya is a tough geography. Assam is a stable geography. If you look into Meghalaya, a lot of hills are there, no valleys as such. A lot of rainfall is there, right? Yes, they did migrate to Meghalaya as well. They did migrate to Meghalaya. But Meghalaya people are largely, you will find that they are very close to Bengali speaking people. They are all the more Bengalis there, you will find, right? Bengali culture is there. So Meghalaya people had no issue. Meghalaya people had no issue. Though Meghalaya is also protected in Schedule 6. So Meghalaya is also protected in Schedule 6. But Meghalaya has not lodged any such protest. There were a few instances of protest. But you can understand that Assamese considered themselves to be very different. So what happened? These people, they gathered and created ULFA, United Liberation Front of Assam. What was the purpose of ULFA? Clat will ask you this. What was the motive of this? The motive of ULFA was they wanted to create a separate sovereign state. Now when I say sovereign state, please do not consider that wo Assam jaisa ek prant banana chahte the. जब मैं कह रहा हूँ वो सॉवरेन स्टेट बनाना चाहते थे, मतलब वो आसाम को एक देश बनाना चाहते थे, यानी कि वो अलगावादी मानसिकता के थे, आसाम को भारत के से अलग करके एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकग्नाइज होना चाहते थे. उसका रीज़न बहुत सिंपल था. उसका रीज़न यही था कि जो पॉलिटिकल सेंटर है इंडिया का, दिल्ली, वो आसाम की तरफ लुकआउट अप नहीं करता है. आसाम की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, आसाम की इंडिजिनस कम्युनिटी है, उसके लिए कुछ बचा नहीं है. तीसरा, मुस्लिम अपीजमेंट बहुत ज़्यादा था 1970s में कांग्रेस गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से असमीज लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट टेकिंग अ हार्ड अप्रोच टूवर्ड्स इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश. ऑल द मोर आई टेल यू वाई. सी आर रहमान इज द नेम. ही वॉज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स हु सपोर्टेड अ कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इन द विद द पॉलिटिकल यूनियन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, राइट? तो उस टाइम पे जो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो क्या करती थी, पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना चाहती थी. अब बांग्लादेश से अगर माइग्रेंट्स असम में जा रहे हैं, राइट, बांग्लादेश से माइग्रेंट्स अगर असम में जा रहे हैं, तो भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ यू नो कार्रवाई करनी चाहिए, या बांग्लादेश को वॉर्न करना चाहिए, या अपने बॉर्डर्स क्लोज करने चाहिए. लेकिन इंडिया उस समय कुछ बड़ी नेबर्स के साथ, इंडिया वॉज लॉकिंग हॉर्न्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, तो इंडिया को लगा कि बांग्लादेश अभी हम नज़रअंदाज करते. बट सडन शिफ्ट हैपेंड इन बांग्लादेश एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शेख हसीना केम इनटू पावर विद आवामी लीग.
यू सी दिस टॉपिक इज वेरी मच रिलेटेड टू बांग्लादेश इलेक्शंस एज वेल. एक क्लब करके आ सकता है. तो शेख हसीना जब बांग्लादेश में ताकत में आई तो शेख हसीना ने 2009 के आसपास में भारत सरकार को बड़ा समर्थन शो किया और कहा कि हम आपकी कंट्री में इलीगल माइग्रेशन बंद कर देंगे. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बिकॉज 1970 के टाइम पे उल्फा बना. 1979 प्रिसाइसली इज द ईयर व्हेन उल्फा वाज फॉर्म्ड. दे वांटेड टू क्रिएट अ सॉवरेन स्टेट एंड देयर बेसिक अप्रोच सिंपली उनकी एक ही अप्रोच थी क्लोज द बॉर्डर्स राइट. देन द चेंज इन द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश एक्चुअली चेंज द आउटलुक टुवर्ड्स द माइग्रेंट क्राइसिस. ये पॉइंट हमको याद होना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए राइट. और आज अब फिर क्या होता है, कमिंग फास्ट फॉरवर्डिंग आर टाइम्स टू 2020 एंड 2021. आपने सुना होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता था. एनआरसी वाज देयर इन न्यूज़. हैव यू हर्ड अबाउट इट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस? सो यू माइट बी थिंकिंग सर देयर इज अ रजिस्टर. यस सूरज, न्यूज़ में था. हाँ, 2 years back it was much in news. जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न्यूज होगा, शहीन बाग का प्रोटेस्ट न्यूज में था. 2 साल पहले तुम लोग 9th-10th में रहे होगे. उस टाइम पे ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी बहुत न्यूज में था. हुआ क्या था, एनआरसी में, एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें कि इंडियंस के नाम लिखे होते हैं राइट. हर जो भी आप सिटीजन है उसका एक प्रूफ ऑफ डोमिसाइल एंड एवरीथिंग है, वो रजिस्टर है, आपका नाम दर्ज होगा. एनआरसी को हम लोगों ने ऐसे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कराना स्टार्ट किया आफ्टर 2019 व्हेन मोदी 2.0 केम इनटू द पावर इन इंडिया. दे स्टार्टेड इनएक्टिंग एनआरसी इन दो स्टेट्स वेयर अ लॉट ऑफ इलीगल इमिग्रेशन हैड बीन कंटिन्यूइंग सिंस टाइम इमेमोरियल. नाउ आसाम हैपेंड टू बी वन ऑफ दो स्टेट्स जहाँ से बांग्लादेश की तरफ से बहुत ज़्यादा घुसपैठी है लोग एंटर कर चुके थे. फिर क्या होता है, जब एनआरसी कराया गया तो आसाम की 3.3 करोड़ 3.3 करोड़ की पॉपुलेशन थी, उसमें 19.06 लाख पीपल वर नॉट एबल टू स्टैब्लिश और प्रूव देयर इंडियन सिटीजनशिप. दे हैड नो वैलिड लैंड डॉक्यूमेंट्स, दे हैड नो वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, दे हैड नो वैलिड गैस कनेक्शन, दे हैड नो वैलिड आधार और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विच इज देयर. 19 लाख पीपल, 19 लाख पीपल but suddenly left in limbo and their citizenship was in question. Then what happened? There was a tribunal framed, foreign tribunal framed. That tribunal basically helped 6 lakh people. 6 lakh people were able to establish their citizenship in India, but still nearly 16 lakh people, even more than 16 lakh people are still left out. Now this created another problem in Assam. This created another problem in us, right? But Ulfa was happy with it. Ulfa to an extent was happy with it because Ulfa realized that, okay, these people are largely illegal migrants, Muslims. Yes, Assam Students Union is very much relevant to, yes, Ulfa. Yes, Student Union is there. But that student union has not come into an agreement with the Ministry of Home Affairs or the government of Assam. So we are not covering that. I mean, we are not covering the entire Assam wala issue as of now. What we're trying to cover is the recent agreement that we had done with Ministry of Home Affairs. Okay. So 1979 mein Ulfa banta hai. Ab Ulfa jab bana to isme in logon ne pehle to ye decide kiya ki hum log protest karenge. But protest se kuch hua nahi to fir in logon ne banduke utha li. They started using armed struggle. Armed struggle में क्या हुआ, पहले इन लोगों ने वहाँ के political leaders और पुलिस वालों को मारना चालू किया कुछ हद तक. फिर एक time आ गया जब इन लोगों को ये लगा कि हमारी दाल नहीं गलने वाली है, लोगों को डर नहीं हो रहा है. इन लोगों ने जो UK कंपनी के, UK से रिश्ता रखने वाले, फॉरेन से रिश्ता रखने वाले, टी में धंधा करने वाले लोग जो आसाम में ज़मीनें लीज पे लेके चाय की खेती कर रहे थे, इन लोगों ने उनको मारना चालू किया. उनको मारने की वजह से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1990 के टाइम पे भारत सरकार को ये लगने लगा कि आसाम इज़ गोइंग आउट ऑफ हैंड्स. अच्छा, उस टाइम पे जो हमारी केंद्र में सरकार थी और जो आसाम में सरकार थी, दोनों में मतभेद चालू हो गए. केंद्र सरकार ये कहने लगे कि लोग मर रहे हैं, बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, टी इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, टी प्लांटर्स मारे जा रहे हैं, बिजनेस ओनर्स मारे जा रहे हैं, 20-25 टी बिजनेस करने वाले लोग अपने चार्टर्ड प्लेन से वहाँ फ्लाइट लेके वापस चले गए यूरोप एंड ऑल, तो बिजनेस बंद हो रहा था. तो इंडिया ने क्या किया, 1990 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया
उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बजरंग। ऑपरेशन बजरंग का एक ही काम था, उल्फा को नस्ते नाबूद कर देना, जड़ से ख़त्म कर देना। जंगलों में ढूंढ ढूंढ के इन लोगों ने हंट एंड चेज एंड किल ऑपरेशन करना चालू किया और ऑपरेशन बजरंग लार्जली सक्सेसफुल हुआ। उल्फा भाग गए, उल्फा वाले भाग गए। थोड़े बहुत जो बाकी थे उनको 1991 में ऑपरेशन राहिनो के अंडर, RHINO, ऑपरेशन राहिनो के अंडर साफ करना चालू किया। ये उल्फा के जो लोग थे ये भागना चालू कर। अब ये भाग के जाएं तो जाए कहाँ? अच्छा, 2005 के बाद से उल्फा ने सिविलियंस को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। में जो बिहार से यूपी से जो वर्कर्स और लेबर्स और ये सब आ रहे थे उनको भी ये लोग अगवा कर रहे थे, फिरौती मांग रहे थे और मार दे रहे थे। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे ड्रग ट्रैफिकिंग का भी काम चालू कर दिया बिकॉज बांग्लादेश से बॉर्डर हमारा सटा हुआ है। तो जो लोकल पॉपुलेशन थी जो वाकई में सोचती थी कि उल्फा हमारे लिए एक सॉवरेन स्टेट बनाएगा या हमारी मांगों को सही तरीके से रखेगा, उन्होंने उल्फा को सपोर्ट करना बंद कर दिया। अच्छा, उल्फा के जो फाउंडर्स थे उनमें भी एक डिवीज़न क्रिएट हो गया। उल्फा के कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि यार आर्म स्ट्रगल बहुत टाइम तक चल नहीं पाएगा और इस आर्म्ड स्ट्रगल को हमको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हुए थे, वैसे ही उल्फा, इनफैक्ट किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस, बातचीत, डिस्कशन, डायलॉग, डेलिब्रेशन पे बिलीव करते हैं, फिर दूसरी तरफ होते हैं जो रेडिकली सडनली चेंज चाहते हैं और वो कुछ भी करने को रेडी हैं। तो उल्फा के अंदर भी दो लोग इस तरीके से निकल के आते हैं। ठीक है, अब देखो नाम कैसे याद रखेंगे। एक उल्फा है, एक उल्फा आए है, एक उल्फा है, एक उल्फा आए मतलब उल्फा इंडिपेंडेंट। अब उल्फा को जो लीड करने वाला था, उल्फा वो संगठन है जो भारत सरकार के साथ बातचीत करने को राजी था, मामले को का निस्तारण कराने के लिए, सेटल कराने के लिए राजी था। और उसका पॉलिटिकल डिमांड क्या था? उसका पॉलिटिकल डिमांड ये था कि आसाम को आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेट कंसीडर करिए, वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकिए, वहाँ पे जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करिए, 126 मेंबर्स की जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एटलीस्ट 96 सीट्स इंडिजिनस लोगों के लिए होनी चाहिए, 30 सीट्स बाहर वालों के लिए होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को आप इंश्योर करिए। फिर वहाँ की शिक्षा, वहाँ का रोज़गार, वहाँ के युवा, इन सब पे आप धीरे धीरे सिस्टमेटिकली काम करिए। तो भारत सरकार ने उल्फा को बोला, ये लड्डू दिखाया और उल्फा को कहा कि हम से बातचीत करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जैसा आपने हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी हिस्ट्री में देखा है कि जैसे ही मॉडरेट्स ब्रिटिश प्रशासन के थ्रू बात करने जाते थे तो एक्सट्रीमिस्ट जन आंदोलन, जन क्रांति करने की बात करते थे। तो उल्फा इंडिपेंडेंट ने भी सोचा कि अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। उल्फा को लीड करने वाले को राज नहीं खोना था, सत्ता नहीं खोनी थी, इसीलिए उसका नाम राज खोआ है, RAJKHOWA। दैट्स नॉट द एग्जैक्ट रीजन फॉर हिज नेम, जस्ट टेलिंग यू अ वे टू रिमेंबर इट, राज खोवा। क्लियर? दूसरा, जब आप बात कर रहे हैं उल्फा आए की, उल्फा इंडिपेंडेंट की, तो एक ऐसा संगठन है जो आर्म्ड स्ट्रगल कर रहा है, लोगों को मार रहा है, पब्लिक किलिंग कर रहा है, जो सेटल करने के लिए रेडी नहीं है, वो भड़वे टाइप के लोग थे। उसका नाम है भरुआ, BHAURAU, ऐसा समथिंग, एंड दैट इज हाउ वी रिमेंबर इट। ओके, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट, दैट ये बंदूक उठा रहा है तो ही इज अ भड़वा एंड दैट गाय इज रेडी टू टॉक आउट, तो राजखोवा। इस तरीके से हम दो लोगों का, लीडर्स का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो देन अगेन व्हाट कम्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ये ऑपरेशन जो अपना जो उल्फा बना ये 1979 में बना। अब जो उल्फा आए बना, इंडिपेंडेंट बना, वो 2012-2013 में बना। अच्छा, फिर आपने, फिर क्या होता है कि भारत सरकार 1990-1991 में ऑपरेशन हमारा बजरंग हो गया और ऑपरेशन राइनो हो गया, इनको पेल वेल दिया है, बाहर निकाल दिया है देश से, तो बाहर निकाल दिया। तो इन लोगों ने भूटान के जंगलों में जाके, इन लोगों ने बांग्लादेश की जगहों में जाके अपने कैंप्स बना लिए। फिर भूटान में एक टाइम पे 2003 में भारत सरकार के साथ जब रिश्ते घनिष्ठ हो गए तो भारत सरकार ने भूटान को बोला, बाबा तुम्हारे यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, उड़ा देंगे तुम्हारा भूटान भी, हम तो जाएंगे तुम भी चले जाओगे। अब भूटान के बारे में एक स्पेशल बात आपको पता है कि ये दुनिया की इकलौती कंट्री है जो हैप्पीनेस के नाम पे जीडीपी को डिफाइन करती है, जिसके जीडीपी का पर्पस हैप्पीनेस को एलिवेट करने का, वो उसको क्या समझ में आएगा बंदूक और प्रोटेस्ट और ये सब, राइट? तो उसने कहा एक काम करिए, इंडियन आर्मी को उसने बोला कि वील प्रोवाइड यू द इंटेल, यू कम एंड
डू द ऑपरेशन। 2003 में भूटान ने ऑपरेशन ऑल क्लियर लॉन्च किया। ऑल क्लियर इसका नाम इसलिए रखा गया था, नॉट बिकॉज उससे डैंड्रफ रिमूव होता है, बिकॉज इट्स एन ऑल क्लियर शैम्पू, बट ऑल क्लियर इसका नाम इसलिए रखा गया था बिकॉज यहाँ के जो बोडो लैंड की डिमांड करने वाले लोग थे, जो कमतापुर में एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, जो नागालैंड को अलग कराना चाहते थे, जो आसाम को अलग कराना चाहते थे, ये सब एकजुट होकर भूटान में अपने कैंप्स बना रखे थे। इन सब को जड़ से हटाना है और सेपरेटिज्म को ख़त्म करना है। ऑपरेशन ऑल क्लियर भूटान ने 2003 में चालू। फिर 2009 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार आती है, अवामी लीग की सरकार आती है, तो भारत सरकार शेख हसीना से कहती है बहन उड़ा दो, तो वहाँ पे भी ऑपरेशन चालू होता है और इन लोग को ख़त्म कर दिया। 2005 के बाद से उल्फा आए भारत सरकार के साथ बातचीत करना चालू कर देता है और उल्फा बात करना चालू कर देता है और उल्फा आए को तकलीफ होना चालू हो जाती है। 2010 से लेकर 2011 के बीच में उल्फा आए कुछ इतने बड़े बड़े कांड कर देता है कि जनता का सपोर्ट, लोकल आसाम लोगों का सपोर्ट खो बैठता है और उल्फा को अल्टीमेटली खुद को अलग करना पड़ता है, राइट। अब आज के टाइम पे क्या हुआ है, फास्ट फॉरवर्डिंग टू 2023, उल्फा को ये समझ में आ गया है कि हमारी पॉलिटिकल डिमांड्स बात करने से ही पूरी होगी। भारत सरकार का दुश्मन कौन है, उल्फा आए। दो ऑप्शन है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कह दिया 90% पीस नेगोशिएशन हो चुका है, उल्फा आए के पास अभी भी समय है, वो सरेंडर कर दे, आर्म्स को डिसबैंड कर दे और उल्फा के साथ जुड़ के पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, वरना ये 10% से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ द उल्फा विद द आसामीज पीपल आर रेडी टू सेटल द डिस्प्यूट। अब ये उल्फा आए वाले जो लोग हैं, दैट इज बरुआ एंड हिज 200 पीपल कॉमरेड्स, विल टेक अ टफ स्टैंड अगेंस्ट देम इफ दे आर नॉट रेडी टू कम टू अ पॉलिटिकल। दिस इज द इंटायर मैटर, बट यू नो वॉट, what is the basic logic of Assamese people, what do they say? अब आसाम का जो region है वो आपको पता होगा अहोम kingdom से, कौन सा kingdom, अहोम kingdom। अहोम थे कौन, they were not followers of Hinduism, they were not followers of Shaivism, they were not followers of Vaishnavism, they were a tribe which was there in Myanmar, Myanmar का नाम उस time पे बर्मा हुआ करता था। तो ये लोग अपना अपना रीजन एक्सपैंड कर रहे थे, तो बर्मा के रास्ते से ये लोग आसाम में आके सेटल होने लगे और एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बोलने लगे, आसमीज बोलने लगे। तो अहोम किंगडम के टाइम पे आसाम की उत्पत्ति देखी गई। अहोम किंगडम की लगातार लड़ाई, आपको पता होगा अहोम किंगडम को हमारी बीजेपी गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है, क्योंकि वो इकलौता ऐसा एरिया, एक ऐसा किंगडम था जो कि ब्रिटिश सब्जुकेशन में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहा, राइट, क्योंकि ये ट्राइब्स थे। अहोम किंगडम का कि जो मान्यता है अभी आसामीज लोगों में जो मान्यता है, वो ये कहते हैं कि देखिए ट्रीटी ऑफ यानदाबो साइन हुई थी, यानदाबो साइन हुई थी 1826। उस ट्रीटी में क्या अग्री किया था, ट्रीटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अग्री किया था कि आसामीज पीपल को हम उनकी जगह पे रहने देंगे, खदेड़ेंगे नहीं, प्रोवाइडेड दैट वो हमारे लिए टी प्लांटेशन और इन सब में मदद करें और हमें टैक्स वैक्स। अब जब ब्रिटिश ने इंडिया को आज़ाद कर दिया तो ट्रीटी ऑफ यानदाबो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी वो भी इनवैलिड हो गई, तो आसाम को सेटल कर, आसाम के कुछ लोकल लोग जो थे उनसे तो किसी ने नहीं पूछा। बर्मा से अहोम किंगडम के लोग आए, आसमीज को मारा, वहाँ पे लैंड सेटल कर लिया, वहाँ पे किंगडम बना लिया। ब्रिटिश हुकूमत उनको साफ करने के लिए आसमीज रीजन में आई, आसमीज लोगों को मारा और लड़ाई किसके बीच में हो रही थी, अहोम के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। इन्होंने आपस में ट्रीटी कर ली, इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ आसाम से पूछा ही नहीं। अब जब तुम जा चुके हो ये देश छोड़ के ना, तो आसाम को आज़ाद कर दो। ट्रीटी ऑफ यानदाबो तो आसामीज पे लग ही नहीं सकती बिकॉज उनका पॉलिटिकल विल ही नहीं था उसमें। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो दोस्त, 1950 में हम सॉवरेंस सोशलिस्ट रिपब्लिक हुए थे, उस टाइम पे जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज या ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थे, दे वर प्रोवाइडेड टू अस बाय वर्च्यू ऑफ पार्ट वन ऑफ इंडियन एंड अंडर ट्रीटी ऑफ यानदाबो आसाम वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दैट इज हाउ इट गॉट ट्रांसफर्ड टू इंडिया। बट फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट देर आर अ डिफरेंट फॉल्ट लाइन्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। एट सम पॉइंट यू विल फाइंड इट इज ड्यू टू इलीगल माइग्रेशन, at some point you will find it is due to ethnic divide,
At some point, you will find it is due to religious divide. On the other front, you will find that it is promoted, the separatism is promoted by non-state actors and foreign countries. India ki alag alag geography mein ye sare regions, sare issues kya hain, alag alag context aur alag alag roop mein hamare samne aate rehte. So settlement mein kya agree hua, wo hamare liye news hai. That will go down in our current affairs copy, because what actually has been agreed, आई मीन अग्री किस पे कराएंगे, अग्री उसी चीज़ पे कराएंगे जिससे रिलेटेड पंगा होगा. तो पंगा क्या था वो समझ, फैक्ट समझने, कॉन्टेक्स्ट हमें आई थिंक क्लियर हो गया होगा. उल्फा एक ऐसा संगठन है, भारत सरकार के साथ समर्थन कर लिया है, भारत सरकार के साथ कर लिया है, और भारत सरकार जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए तत्पर रूप से तैयार है. ठीक है, लेकिन उल्फा आए हैं सेटल करने के लिए, वो बातचीत करने के लिए है, उसके अभी 200 अराउंड फॉलोअर्स. क्लियर हो गया आपको कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर. नाउ आई शेयर द पीडीएफ में हम फैक्ट्स बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, उस पीडीएफ को आपको पढ़ना है. अच्छा, दैट पीडीएफ इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हिंदू आर्टिकल्स दैट हैड अपीयर्ड ऑन द उल्फा वाला मैटर, राइट? सो लेट मी शेयर दैट पीडीएफ विद यू. आई होप एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन. Can you? Yes. Yes. लोगों को कुछ तक दिखाने की कोशिश की. Coming to this part, the sheet part, right? So please remember the full form is not Assam but it's Assam, United Liberation Front of Assam, which was formed in 1917. Right now, from where did it start? It started from the Rang Ghar Pavilion. What is Rang Ghar Pavilion? Rang Ghar Pavilion was a sporting and cultural center of the Ahom Kingdom, Sibsabar district. Okay, so Rang Ghar Pavilion se chalu hua tha 1979 mein. Ahom Kingdom ka ye ek stadium tha jahan pe sports aur cultural activities hoti thi. Right, ye aapko yaad rakhna hai. What was the cause of the formation? Kya karan tha? एंटी फॉरिनर एजिटेशन था. एंटी फॉरिनर एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स प्रोटेस्ट. तो फॉरिनर्स जो हैं वो हमारी ज़मीन पे ना रहें, हमारी जगह पे ना आएँ. दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड इन 1979, राइट? दैट लेड टू द फाइनली द साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड. इट्स यहाँ पे 1958 लिखा है, एक्चुअली इट्स 1985. ठीक हो गया, असम अकॉर्ड 1985 साइन. असम अकॉर्ड 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे एक तरीके से पॉलिटिकल अश्योरेंस दिया गया. तो पॉलिटिकल अश्योरेंस दिया गया इन्हीं लोगों को, आपके मांगों पे हम लोग जल्द से जल्द काम करेंगे. लेकिन असम के जो उल्फा वाले लोग थे उनको बड़ी तकलीफ थी. वो क्या तकलीफ थी? उन्होंने कहा कि देखिए, 1985 के असम अकॉर्ड में आप ये कह रहे हैं कि 1966 तक जो कोई भी असम में रह रहा है, राइट, के बाद अगर कोई असम में आया है तो आप उसको सिटीजनशिप घोषित कर देंगे एंड ऑल ऑफ दिस. उसके पहले कोई आया है तो आप नहीं करेंगे. इस थ्रेश, इस 66 वाले प्रॉब्लम से बहुत लोग को तकलीफ होने लग गई, बिकॉज उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट हुआ है 1985 में असम अकॉर्ड में ये कह रहे हैं कि 1966 के बाद जो आया है हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे. तो लोगों ने कहा क्या मेजर इन्फ्लक्स तो 1966 के बाद ही तो हुआ है. 1966 से लेके 1972 तक के बीच में सारा इन्फ्लक्स हुआ है, और आप उनको अगर भारत की नागरिकता दे दोगे तो वो असम छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं. उस कट ऑफ डेट से रिलेटेड थी. तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए बड़ा डिस्टेंट क्वेश्चन होगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जाएगा. लेकिन स्पेसिफिसिटी है क्या कि जो कट ऑफ डेट डिसाइड हुई थी माइग्रेंट्स को लीगल कहलाने की, उस कट ऑफ डेट में प्रॉब्लम था उल्फा को. ठीक है, फिर इन्फ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश जो है वो चलता रहता है. आउटफिट का मेन बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? आउटफिट ने यह कहा था कि ब्रिटिश ने असम को कब्जा किया था, असमीज से नहीं कब्जा किया था, बट उन्होंने बर्मीज फोर्सेस को सबड्यू करके ट्रीटी ऑफ यानदाबो 1826 में साइन करके कब्जा किया था. अब जब ब्रिटिश असम से जा चुके हैं, इंडिया को असम को, असम के लोगों को छोड़ देना चाहिए, राइट? और अगर पीसफुल कोलिविंग चाहिए हमारे साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशन करें. ये क्या है कि संविधान बना दिया और हम पे बोल दिया कि हम पे भी लागू होता है, थिंग्स लाइक दैट.
राइट. तो ट्रीटी ऑफ यानदाबो जो है, ट्रीटी ऑफ यानदाबो 1826, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ब्रिटिशर्स गेटिंग इन टू सेटलमेंट विद बर्मा. राइट. वट इज द नेम? तो रंगघर 7 अप्रैल 1979. वट इज द नेम? द एम इज टू सॉवरेन सोशलिस्ट आसाम बनाने का. और सिक्स हैं भीमकांत बुर्गा बूरा गोहेन, राजीव राजकोनवार, अरविंद राजखोआ, गुलाब बरुआ, राइट, समीरन गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन एंड परेश बरुआ. तो बरुआ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बरुआ वाले जितने लोग हैं ये इंडिपेंडेंट में जा चुके हैं. और ये आपको दिखाई देगा इसका नाम राजखोआ, ठीक है, ये व्यक्ति जो है राजखोआ. अरविंद राजखोआ, अनूप चेटिया एंड परेश बरुआ फॉर्म्ड उल्फा ऑन 7 अप्रैल 1980 आर्म स्ट्रगल. दीज थ्री आर द मेन पर्सन. तो अरविंद राजखोआ और परेश बरुआ के बीच में क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है. वट इज़ द ऑब्जेक्टिव? टू क्रिएट अ सोशलिस्ट सॉवरेन आसाम. क्या आप सीधे याद रखिए सॉवरेन आसाम. इनको सपोर्ट और रिक्रूटमेंट कहाँ से मिल रहा था? तो म्यांमार, चाइना और पाकिस्तान से सपोर्ट एंड रिक्रूटमेंट मिल रहा था. ये वही देश हैं जो कि अलगावाद प्रमोट करते हैं नेटिव कंट्रीज़ में. अच्छा, चाइना का भी तरीका जो है, आउटलुक जो है, पॉलिटिकल आउटलुक जो है, काफ़ी चेंज हो रहा है शी जिनपिंग के अंदर. चाइना हैपन टू बी मोर अग्रेसिव, राइट, लेस केयरफुल अबाउट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट कैन क्रिएट. उस टाइम पे ये सब चीज़ें ये लोग करते थे ना, चाइना अलगावाद प्रमोट करता था. तो इंडिया ने ऑपरेशन बजरंग चालू किया 1990 में, आसाम को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया और आफ्सपा वहाँ पे लगा दी. तो आफ्सपा 1990 में आसाम पे किस कारण की वजह से आई? उल्फा के हरकतों की वजह से आई. फिर 14 सितंबर 1991 को ऑपरेशन राइनो इंडियन आर्मी ने चालू किया, राइट. थाउजेंड्स ऑफ जवान ऑफ द इंडियन आर्मी बिलोंगिंग टू माउंटेन डिविजन, कुमाऊ रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स एंड अदर यूनिट्स टू पार्ट इन ऑपरेशन राइनो. भूटान एंड बांग्लादेश हैड विटनेस उल्फा सेटिंग अप कैंप्स इन कंट्रीज. भूटान ने 2003 में ऑपरेशन ऑल क्लियर, उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन के अगेंस्ट चालू किया. 2009 में बांग्लादेश की शेख हसीना ने पावर में आते से ही सेपरेटिस्ट को हटाना चालू कर दिया. अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ उस मासूम सिविलियन की फैमिली की है, उस उनके परिजनों की है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेड बॉडी लाइंग है एंड इनोसेंट सिविलियन स्टार्टेड टू बी किल्ड पोस्ट 2005. 11 मेंबर्स का ग्रुप बनता है और ये कहते हैं 2005 के बाद कि यार बात करने की ज़रूरत है भारत सरकार, लेकिन फिर ये पलटा मार जाते हैं और टेरर स्ट्राइक कर देते हैं. अभी तक डेटा के हिसाब से, ऑफिशियल डेटा नहीं है ये, 10,000 इनोसेंट सिविलियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द हैंड्स ऑफ उल्फा, वॉर दैट सिविलियंस डिड नॉट वॉन्ट, दे डिड नॉट स्टार्ट. Right? When did the first killing appeared? So first killing came in 1990 when Surendra Paul, who was a tea planter and brother of UK-based industrialist Swaraj Paul, was killed. Surendra Paul ka murder 1990 mein hua tha. He was a very wealthy, well-known businessman. This triggered a panic, more than 20 tea estate managers fled from a chartered flat. You can notice the impact, right? These tea estate managers भाग गए, बहुत बड़ी बात है ये. फिर सेंटर ने उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रफुल्ल कुमार महंता गवर्नमेंट. प्रफुल्ल कुमार महंत जो थे उनकी सरकार को गिरा दिया. किसने? केंद्र सरकार ने. और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया. कब? 28 नवंबर 1990 को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया 1990 में, उसके बाद आफ्सपा भी लगा दी. प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि सब कुछ सेंटर से गवर्न होगा. आफ्सपा लगाने का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस बिना वार्निंग के तुमको अरेस्ट कर लेगी, बिना वार्निंग के तुमको उड़ा देगी. उल्फा को बैन कर दिया गया, आफ्सपा लगा दिया गया और ऑपरेशन बजरंग और आर्मी ऑफेंसिव एक साथ लॉन्च किया गया. वो भी तब जब आसाम स्टेट नहीं घोषित हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है. ठीक है. फॉलोड बाय दिस व्हाट हैपेंड? उल्फा एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट्स विद अदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स. जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, इसको जो भी टूट गया था इजाक मुइवा एंड खापलाक फैंक्शंस में 1986, जैसे ये टूटा उल्फा एंड उल्फा आए में, वैसे ही नागालैंड वाले जो काउंसिल्स हैं वो इसाक मुइवा
एंड खापलांग फैक्शंस में टूट चुकी है. तो भैया यस आई हैव अ क्वेश्चन भैया, व्हाई मतलब इनको क्यों नहीं एक टेररिस्ट फ्रंट डिक्लेयर किया इंडिया ने, मतलब लाइक आफ्टर सिविल किलिंग व्हाई डिडंट दे? बिकॉज़ इंडिया अगर इनको आतंकवादी डिक्लेयर कर देगी तो लुक एट द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इट विल हैव ऑन द पीपल दोज़ हू सपोर्ट देयर कॉजेस. If Nationalist Socialist Council of Nagaland is being formed in Nagaland, then which means that there are certain faction of people in Nagaland who support this movement. Now, you should always focus, look forward to the demands. You should always look forward to the demands. If the demands can be met by a political solution, then what it will be done. If it can't be met by a political solution, then it can't be done. Look at what India is doing with Pak-occupied Kashmir. What do you think? Can't India take occupy Pak-occupied Kashmir on a single night? It will not take more than a day for India to take Pak-occupied Kashmir, just the way Israel has occupied and taking up Gaza Strip. You think that Pakistan has that much kind of military prowess to counter India? No dear. But we are trying to find a political solution to that particular problem. But yes, that does not mean that you will arm people, you will provide them guns, and you will kill civilians. Isn't it? That does not give you that. So we are very much considered, and that is how the government shows consideration towards the demand of its own people. We cannot treat our own people like terrorists. We cannot declare our own people like terrorists unless and until they are being motivated, supported, financed by some foreign agency or foreign government. So far, so it was not the case with Nationalist Socialist Council of Nagaland. Now you know Isaac Muiwa and Khaplak factions, not both of them did not get into an agreement here with respect to Nagaland. तो दैट इज एन ऑन गोइंग इशू. तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ये उल्फा और एनएससीएन के बीच में. ये सेटलमेंट 1986 में आने लग गया हमारे पास, राइट भैया? हाउ कैन डिमांड्स कैन निगेट सिविल किलिंग्स? लाइक हाउ दे कांट निगेट सिविल किलिंग्स, दे कांट निगेट सिविल किलिंग्स, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल फाइंड अ हार्ड अप्रोच फॉर दिस. Please understand this. Today, if farmers are committing suicide, there is a farmer who has attempted to commit suicide, is not dead. So as a state, there is a law that you attempt to committing suicide is what? Is a crime. But as a state, you need to be considerate towards the plight of the farmer, towards the worry of the farmer. Please understand, that's a very wrong approach. That's a very wrong jurisprudence. Where you think that punishment is the only solution. Yes, we won't call them terrorists. We just call them separatists. Recently, see, we had discussed very recently. We had discussed the concept of Naxalite. Left-wing extremism we did discuss a few days back. And you, what have you seen in the news? You have killed three young people. The CRPF has killed three young people. Naxalites. You have heard it in the news. Right? So, now, such organizations, such people, हम लोग अरेस्ट करेंगे इंडिविजुअल्स को और इंडिविजुअल्स को हम लोग सजा देंगे, पूरे पूरे संगठन को हम लोग नहीं. क्योंकि अगर आपने पूरे संगठन को आपने आतंकवादी टेरर आउटफिट डिक्लेयर कर दिया या इंडिविजुअल्स को भी पकड़ के आपने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनकी कम्युनिटी में, लोगों में भी जाए. ये ट्राइब्स हैं, ध्यान में रखना हमें ज़रूरी है. ये धर्म से मोटिवेटेड नहीं है, ये अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. ये लड़ाई सिर्फ आपसे नहीं लड़ रहे, ये ब्रिटिशर्स से भी लड़ रहे थे. जब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारी अप्रोच वैसी नहीं हो सकती जैसी ब्रिटिश प्रशासन की थी इनकी. ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन जो था वो क्या था, एक पुलिस स्टेट था या तो वेलफेयर स्टेट है ना. जस्ट अ मिनट, आई थिंक इन द नॉर्थ ईस्ट दीज सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इमर्ज बिकॉज दे हैड डिमांड्स फॉर देयर लैंड. सो इन अ वे दे आर सिटीजंस फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज. That's why they are just militants, not terrorists. Not Kashmiri people, but mostly Pakistani infiltrators. They are posing a threat of separation. That's why the word terrorist used. There is a very thin line difference between terrorists and militants. Terrorists and militants. Always remember that terror outfits, terror organizations,
are to an extent backed by certain governments always. These terror organizations are backed by certain governments. So that's just one way to say it, okay? Where we notify any organization under a particular law as a terrorist outfit, that is called as a terrorist. Internationally, that is United Nations Security Council. So if United Nations Security Council says that this organization in this region is a terror outfit, then that will be called as a terror organization. For example, when it comes to Hamas, United Nations Security Council has not designated it as a terror outfit, but it's the American Congress which calls it a terror organization. Are you following me? So similar is the case with India. You see, India do not call any organization, we do not have any law that calls any organization as a terror organization. In India, we simply say that it's an unlawful organization, right? You must have known, you must have seen Popular Front of India, right? And SIMI. Did we not cover the news for SIMI? याद है आपको? अभी आपके सामने द हिंदू का आर्टिकल खोल देते. तो ये सब चीजों को वेरी दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू रेज दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड दिस अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ द वर्ड्स बिकॉज दैट्स व्हाट लीगल प्रोफेशन इज ऑल अबाउट दैट्स व्हाट लॉ इज ऑल अबाउट हाउ यू यूज द वर्ड विल क्रिएट अ काइंड ऑफ इंप्रेशन राइट अब अगर आप किसी हमास या पैलेस्टीन सपोर्टर के सामने यू कॉल दिस Hamas organization as a terror outfit, right? Then it might hurt their sentiment. But India's official position is not that we have called Hamas a terror outfit, right? They call themselves the resistance front, resistance movement. Now please, I'll share the article to clear the doubt. So India does not have any law which declares any organization as a terror organization. That's one point we should always keep. Terrorism is just like anything that creates fear in the minds of the people, right? But anything, any person who creates a fear in the minds of the people has some sort of political agenda backed by some foreign government to carve out a region from your own country, then yes, terror outfit hum kahenge aapko. Achha, dusra organization ek cheez aur bhi samajhiyega. Terrorist aur militants mein ek antar kya hota hai? Jo terrorists hote hain वो सिविलियंस और स्टेट्स दोनों को हर्ट करते हैं. मिलिटेंट्स जो होते हैं यूजुअली गवर्नमेंट एजेंसीज को हर्ट करते हैं. सो दैट्स वन एस्पेक्ट दैट यू शुड सी. सी लुक एट दिस न्यूज मिनिस्ट्री दैट्स वेरी रीसेंट जनवरी 29, 2024 राइट. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंड्स बैन इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर 5 years. Look at the first paragraph. The Union Home Ministry has extended the ban against SIMI for another 5 years. The organization was declared as unlawful association under anti-terror law UAPA for the first time in 2001, and the ban has been extended for another 5 years. Now, what it was involved in? It was involved in fomenting terrorism, disturbing peace and communal harmony, to threaten the sovereignty, security and integrity of Bharat. Okay? Now, there are 17 cases registered and all of this is there. Right? The National Investigation Agency also has registered a case against Athar Parvez and Muhammad Jalaluddin of Fulwari Sharif, Patna in 2022. Section 17, 18A, 18B, 38, 39 of UAPA. Charge sheeted, arrested. Conspirator and radicalizing Muslims for violent jihad or hijrat, right? He had pledged allegiance to ISIS, which is a declared terror outfit by United Nations Security Council. That is where you come into picture. They have also joined Lashkar-e-Taiba and all of this. So Lashkar-e-Taiba, Hizbul Mujahideen, and Jaish-e-Mohammed. These three are the primary terror organizations. No, टारगेटिंग इंडिया. इसको हमने अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बोला है, ये आपको याद में होना चाहिए. वो शब्दों का यूज़ हम टेरर नहीं बोलते, हम अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन बोलते. उसी तरीके से केरला का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसके आपने अभी न्यूज़ देखा होगा. केरला के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के
कुछ लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ता को केरला में मारा था, 14 लोगों को में वो हुआ है। ये सब देखो कितना इंटरकनेक्टेड न्यूज़ है। 14 पीपल ऑर्डर्ड डेथ। Let me share that article. So this is DNA India. 14 PFI workers get death sentence in killing of BJP leader in Kerala. Now PFI is again an unlawful organization declared in 2023. Right? So BJP OPC wing leader Ranjit Srinivasan was killed by some 14 goons in front of his wife and mother. And this judgment was given by Mavelikara additional judge VG Seredevi. So, Jilla court ne kar diya hai. The prosecution had sought the maximum sentence for the convicts and all. Right? So, PFI is a banned organization. Those se related logo ko 14 saal ki saza hui hai. So, ye sari cheeze integrally connected hai. Coming back to the article here. This National Socialist Council of Nagaland, right, has reached out again a similar army in Myanmar, Kachin independence. Now Kachin, what is Kachin? Kachin, look at the location. Kachin is a region which is very close to Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur. Wo jo teen states hamare top 3 hai unse related jo as Myanmar ka bagal wala state hai, region hai, usko Kachin bolte hain. Theek hai, Kachin, Shin state, Shan state sab bagal bagal hai. तो यहाँ पे जो नागालैंड के लोग हैं वो म्यांमार में जाके आर्म्स ट्रेनिंग्स और ये सब कर रहे हैं। म्यांमार के बाद बांग्लादेश में 1989 में कैंप लगना चालू हुआ, इंडो बर्मा रिवॉल्यूशनरी फ्रंट बना दिया इन्होंने विद अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड नेबरिंग कंट्रीज फॉर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस। राइट, इनिशियली यूज्ड एज सेफ हैवन्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, द उल्फा कैंप्स इन बांग्लादेश बिकेम क्रूशियल फॉर द शिपमेंट ऑफ आर्म्स। द थर्ड कंट्री उल्फा टारगेटेड वॉज कैरिंग आउट हिट एंड रन ऑपरेशंस इन भूटान। बाय द अर्ली 1990s that outfit set up at least 13 camps in Bhutan, some shared with National Democratic Front of Bodoland and Kamtapur Liberation Organization. Now at certain point of time, Ulfa became Sulfa. How many of you know what Sulfa is? Good. Kids behaving like kids. Thank God you don't know what Sulfa is. Now Sulfa means surrendered Ulfa. ठीक है, तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस लेड टू द अरेस्ट ऑफ 1221 पीपल इन 1990s, बट दे कंटिन्यूड देयर आउट स्ट्राइक्स। राइट, देन दे ऑल्सो जॉइंटली कोऑपरेटेड विद NDFB, द रीन ऑफ टेरर इंटेंसिफाइड एंड सर्टेन उल्फा मेंबर्स सरेंडर्ड इन 1992 एंड दे बिकेम सुल्फा। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज दैट इन पकड़े गए लोगों को अब हम इस्तेमाल करेंगे हाइड आउट्स पता करने के लिए, बिकॉज दे नो कहाँ छुपते हैं, कहाँ कैंप लगाते हैं, ऑल ऑफ दिस। राइट, सो इन 1998 से 2001 दे वर एलिजिबली यूज बाय द स्टेट फोर्सेज टू हेल्प आइडेंटिफाई एंड एग्जीक्यूट उल्फा हार्ड लाइनर्स एंड मेम्बर्स इन वॉट केम टू बी नोन एज गुप्त हत्या और सीक्रेट किलिंग्स। स्टेट ने चुपचाप से इनके हाइड आउट्स में जाके लोगों को निपटाना चालू कर दिया। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड ध्यान से पढ़िए। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने एलिजेडली पे इतना क्यों फोकस किया है? इज इट फैक्ट, इज इट अ प्रूवन फैक्ट दैट गुप्त हत्या हो रही थी? इज इट अ प्रूवन फैक्ट, यस और नो? नो, यस और नो? नो नो, दैट इज व्हाई आई हैव एम्फसाइज्ड नाउ दिस allegedly. If you don't focus on the word allegedly, then you might miss out on a statement based question. So it is not like established fact that secret killings were there, but yes, that is one of the perception that people have stated that India aisa at one point of time kar raha tha, allegation hai, right? Followed by this, certain peace talks happened and settlement options started coming after 2009. The leaders of the Raj Khowa led faction signed a ceasefire agreement. Badi jaldi inhone settle kar diya. 2011 में फाइनली इनका सीज फायर हो चुका था, यानी 2011 में उन्होंने ये कह दिया था कि अब हम कोई मारधार लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे।
और बरुआ ने इसको अपोज किया, राइट, एंड एक्सपेल्ड राजकोवा फ्रॉम उल्फा इन 2012 एंड फॉर्म्ड उल्फा आई इन 2013, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. वट इज़ द करंट अग्रीमेंट ऑन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेयर आर करंट अफेयर्स कम्स इन टू पिक्चर. एंड इसको ही आपको आपकी नोट्स कॉपी में लिखना है थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में. पहला, ये रिनाउंस वायलेंस करेंगे, डिसआर्म डिसबैंड आर्म ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, अपनी कैंप्स को खाली करेंगे, पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये फैक्ट हम करंट अफेयर्स कॉपी में नहीं लिखेंगे बिकॉज इट्स रूडिमेंट्री कॉमन सेंस, ये तो होगा ही होगा, राइट. इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, द एम टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री कॉन्ट्ररी टू वट उल्फा, तो ये भी हम अपनी नोट्स कॉपी में नहीं लिखेंगे बिकॉज अगेन इट्स कॉमन सेंस. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटरनल मैटर को देखेगा, टाइम बाउंड मैनर में पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा और हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा. तो ये नोट्स हमारे कॉपी, ये फैक्ट हमारे कॉपी में जाएगा. 1.5 लाख करोड़ तक का पैकेज है इन्वेस्टमेंट के रूप में डेवलपमेंट ऑफ असम के लिए कर रहे हैं. ऑब्वियसली रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, तो सूझबूझ और समझदारी भी बढ़ेगी और भारत के की ताकत का भी एहसास होगा यहाँ के लोगों को, तो भारत से अलग होने की बातें नहीं करेंगे फिर. तो क्या ये 1.5 लाख करोड़ का सर जो अमाउंट है वो याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, इसको लिखना भी नहीं है आपको. द सेंटर हैड प्रोवाइडेड कमिटमेंट टू उल्फा टूवर्ड्स इट्स पॉलिटिकल डिमांड्स, थैंक यू सो मच, ये भी हम नहीं लिखेंगे, इट्स वेरी कॉमन. उल्फा विल मेंटेन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ असम थ्रू एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग स्टेट, ये पॉइंट हम लिखेंगे हमारी, क्योंकि उल्फा का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं है बल्कि उसका पंगा, आसाम का पंगा नागालैंड के साथ, अरुणाचल के साथ, मेघालय के साथ, सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, सबके साथ बराबर से चलता है. माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ आ रहे हैं और सेटल हो जा रहे हैं, राइट. डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की बात है जो 2023 में करना है, फ्यूचर डिलिमिटेशन प्रोसेस को, उसके लिए सेटलमेंट हुआ है, तो ये भी हम अपने नोट्स कॉपी में कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में बात. अच्छा, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये भी हमें जान. डिलिमिटेशन होता क्या है? पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर, ठीक है. अब जो अगर मान लीजिए कि मुस्लिम माइग्रेंट्स बांग्लादेश से नागालैंड के असम के बाउंड्री पे रह रहे हैं, असम की बाउंड्री पे रह रहे हैं, असम और मेघालय के बीच में जो बाउंड्री, अगर ये माइग्रेंट्स उस बाउंड्री पे रह रहे हैं, तो डिलिमिटेशन जब हम करेंगे, लेट से 15 से 20 लाख लोग मुसलमान यहाँ पे अगर पहुँच गए, जस्ट इमेजिन करो, और हमें एवरेज 3 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है, लेट अस सपोज दैट, तो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाएंगी, यानी कि 6 सीटें इसके लिए हो जाएंगी, मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए हो जाएंगी. जबकि होना क्या चाहिए कि ये 6 सीटों में आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आसामीज माइनॉरिटी में है, अगर आसामीज माइनॉरिटी में है तो ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नेता जो चुना जाएगा वो आसामीज ही होना चाहिए, भले ही वोटर्स मुस्लिम हैं, भले ही वोटर्स मुस्लिम हैं, रहने वाले मुस्लिम हैं, लेकिन ये नेता आसामीज चुनेंगे. इंडिजिनस कम्युनिटी को आप ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हो. अगर माइग्रेंट्स को आपने डिलिमिटेशन करके वोटिंग राइट के साथ साथ अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करने का भी अधिकार दे दिया, तो इनकी जो छोटी सी असेंबली है उसमें इलीगल माइग्रेंट्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आने लग जाएगा और आसामीज धीरे 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 धूमिल होने लग जाएंगे, गायब होने लग जाएंगे. इन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में जो हमारी आपत्तियां हैं उनको सरकार उसको सुने और उसका एक संवैधानिक तरीके से निष्कर्ष निकाले, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाले, राइट. द पैक्ट एनविसेजेस एंश्योरिंग मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिजिनस कम्युनिटी, हेंस द पॉइंट ऑफ 126 मेंबर असम असेंबली, फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कीपिंग नॉन ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स माइग्रेंट मुस्लिम्स आउट, राइट, फ्रॉम द डिलिमिटेशन प्रोसेस. द 2023 डिलिमिटेशन इज सेट टू हैव made it impossible for non-indigenous communities to contest 106 of these, which means out of 126 these communities, the non-indigenous migrant communities can still contest 20 seats, but 2023 delimitation exercise has made sure that 106 seats Assamese logo ke paas jaye, theek hai. To 2023 ke delimitation plan ko aap badlenge nahi, पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आएंगे और आप इसको वैसा ही करेंगे जैसा आपने कमिट किया है. ये उल्फा की डिमांड थी सरकार से. इस पैक्ट में सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी डील किया गया.
अच्छा सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है? सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति की नागरिकता सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया गया है या किसी ने अपनी सिटीजनशिप को वॉलंटरली डिनाउंस कर दिया है, वॉलंटरली डिनाउंस कर दिया है, ऐसे लोगों को किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर की तरह रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो 19.06 लाख लोगों में जो लोग अपनी नागरिकता नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, आप ये ज़रा इंश्योर करिएगा ऐसा ना हो कि वो आसाम से माइग्रेट करके नागालैंड चले जाएं और नागालैंड में खुद को एज अ वोटर रजिस्टर करवा लें या किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर की तरह रजिस्टर, ठीक है? तो क्योंकि 19 लाख पीपल अगर नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं अपनी नागरिकता को, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भारी संख्या में इल्लीगल माइग्रेंट्स ज़रूर हैं। दैट कांट बी डिनाइड। आप ये नहीं कह सकते कागज़ का पन्ना है, फट गया, गीला हो गया, बरसात होती है एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज अगर पन्ने का कॉपी आपको दिया है तो उसकी एक कॉपी सरकार के पास भी होती है, वो भी नहीं है, आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे। इस जगह पे उल्फा का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि अगर सेक्शन 3 के अंदर आपने इतने लोगों की नागरिकता हटा दी है ना, ठीक है, तो आप उसमें बस ये ध्यान देना कि आसाम के जो लोग हैं, प्रोवाइड एग्जेम्पशन फॉर पीपल फ्रॉम आसाम, ठीक है, आसाम के लोगों को क्या करिए आप से हटा दीजिए, बाकी मतलब कि सरकार को कह रहे हैं कि आप ज़्यादा फिल्टर करिए, यू नीड टू प्रोब मोर। नेक्स्ट, राइट, ये 11वां एग्रीमेंट है भारतीय जनता पार्टी का जब से वो सत्ता में आई है 2016 में असम में। बरुआ एंड हिज उल्फा आए एंड सम 200 फाइटर्स हैव केप्ट देमसेल्व्स आउट ऑफ द पीस टॉक्स। तो ये अपना मौत का फरमान जारी करवा लिया इन लोगों ने, मानेंगे नहीं तो मार दिए जाएंगे। आतंकवादियों को, जिहादियों को, सेपरेटिस्ट को, बंदूक पकड़े आदमी को आप हाथ जोड़ के गांधीवाद से तो नहीं ख़त्म कर सकते, तो ये मार दिए जाएंगे। इसके पास ऑप्शन है कि ये सरेंडर कर दें और ये उल्फा के साथ आ जाएं, कोई और तरीका निकालें, ठीक है। अब ताइवान अगर अपनी आज़ादी चाइना से मिलिट्री या नेवल माइट से लेना चाहे और उसमें वो बेवकूफ़ ही होगा अगर जापान और अमेरिका पे भरोसा करेगा, तो जापान और अमेरिका के घर पे लड़ाई होने, अभी अमेरिका के दरवाजे घर पे लड़ाई नहीं हो रही, अमेरिका की जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब अमेरिका के बाहर हुई हैं। अमेरिका के घर में अगर मेक्सिको और कनाडा से उसकी मारपीट चालू हो जाए या अमेरिका में ही कुछ ऐसा रेशियल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि उसके घर के अंदर लड़ाई होने लग जाए, तो अमेरिका अपनी सारी सैन्य शक्ति को यूक्रेन और ईरान सबसे हटा के अपने घर पे आ जाएगा। और ताइवान ऐसे में अगर अमेरिका और जापान की मदद ले ले, तुम तो बेवकूफ़ ही हो। ध्यान रखिएगा, भारत ने पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ अपने ज़मीनी विवादों को सुलझाने के लिए अमेरिकी मदद क्यों नहीं ली, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मोदी को कहा था कि कश्मीर का मुद्दा, लेट मी हैंडल द कश्मीर इशू, आई कैन हेल्प यू, कैन प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। नहीं, बाहर में जाओ भाई, हमारे घर की बात है, पड़ोसी से हमारी सड़क की लड़ाई है, मोहल्ले वालों को क्यों बुलाएंगे, पड़ोसी से निपट लेंगे, तुम हमारे घर के सामने कचरा डाल लो, हम तुम्हारे साथ रहेगी लड़ाई, फॉरेन इंटरफेरेंस हम क्यों कराएंगे, आर यू गेटिंग मी। तो बरुआ के पास भी यही एक ऑप्शन है कि वो बेटर है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंसीज के साथ बात कर ले और सेटल करा ले। By the turn of the millennium, Ulfa began losing public support, particularly after 13 people, including children, were killed in August 2004 school bombing in Eastern Assam's Dhemaji. Nevertheless, the government kept the talks option always open. पकड़ लिया गया होगा, जेल कर दिया गया होगा, लेकिन बातचीत कभी खत्म नहीं होगी। Ulfa I operates from the hideouts in the Sagains division of Myanmar. Barua maintains that his demand for sovereignty of Assam will not be foregone. And why? Because he relies on treaty of, which treaty? He's relying on the treaty of Yadabo, Yandabo. Which year? 1826. ठीक है, बाकी कुछ दाबो ना दाबो, यान दाबो याद रखेंगे और भड़वे को याद रखेंगे, 1979 याद रखेंगे, 2013 याद रखेंगे, ऑपरेशन राइनो याद रखेंगे, ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन कौन सा था? क्लियर, ऑपरेशन बजरंग याद रखेंगे, ठीक है, और ऑपरेशन ऑल क्लियर याद रखेंगे, ऑल क्लियर याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, राजखोवा को याद रखेंगे, और अहोम किंगडम का वो कौन सा पवेलियन था, रंगा हुआ घर, रंग घर याद रखेंगे, जी भैया।
और ये अभी नहीं याद रखना है, ये दिसंबर तक याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? रिवीजन। कैसे करेंगे रिवीजन? नोट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नोट्स? क्या लिखेंगे नोट्स में? इसका इसका नोट कितने पन्ने में आ जाएगा अपना? एक पन्ने में। एक पन्ने हाइलाइटेड के साथ ही भेज देना। हाँ, हाइलाइटेड के साथ भेज देंगे, पर सारा हाइलाइट वाला नहीं लिखना है, कुछ कुछ चीजें याद करने की कोशिश करना। याद रखना ये आसाम नहीं है, असोम है, असोम, ASOM। क्या हो गया? ये सब याद रखिएगा। आपको एंटी फॉरेन एजिटेशन था, असम अकॉर्ड 1985 का, ये याद रखना है। ये 1966 की डेट पे इशू था, माइग्रेशन बांग्लादेश से हो रहा है। प्लीज डोंट राइट दिस, दिस आर द कॉन्टेक्स्ट पार्ट, यू डोंट हैव टू राइट द कॉन्टेक्स्ट पार्ट। ईयर्स भूल सकते हो, ईयर्स को लिखो। आसमीज आई हैव नेगोशिएटेड द टर्म्स फॉर पीसफुल को लिविंग, क्यों लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे हम नोट्स में, नहीं लिखेंगे। ट्रीटी ऑफ यानदाबो लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ये सॉवरेन सोशलिस्ट असम बनाने का है, व्हाई वी विल राइट इट, वी विल नॉट राइट इट, याद हो जाएगा ना। सॉवरेन सोशलिस्ट इंडिया है तो सॉवरेन सोशलिस्ट असम बनाने का इन लोग का था। कैसे? आर्म्ड स्ट्रगल से, इनकी मेन डिमांड थी। ये महारथियों के नाम हैं, गोलगप्पा, भद्रेश्वर, बरुआ, समीरा, भीम को लगा कांटा, थिंग लाइक दिस। लेट्स नॉट गो अहेड, आगे वाला नाम मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। अरविंद राजखोवा, अनूप चिया, परेश बरुआ, आर द नेम्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, इजंट इट? यस राघव सर, एक चीज पढ़ी थी जिसमें यह था कि लाइक इंडिया के जितने चाइनीज ओरिजिन वाले हैं उनको भगा रहे थे, तो वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है कि इधर ही असम से रिलेटेड है? असम आ जाएंगे तो जोड़ लेना असम, बॉर्डर विलेजेस, दैट्स लाइक वेरी ओल्ड, 2017 की बात, दैट्स ऑफ 2017, ओके। अभी क्या हुआ है? चाइना के साथ हमारा इशू लद्दाख में हुआ है, या नेवी का, इंडियन आर्मी का कोई मुद्दा नहीं हुआ है? यस सर, तक ग्रेजियस लेके आना ना, हां ग्रेजियस, हां घास खाने वाले लोग, भेड़ भेड़ बकरी चराने वाले लोग चाइनीज आर्मी पे पत्थर पत्थर फेंक रहे थे, लद्दाख के लोग। कश्मीर से चले गए, लफड़ा हो गया है। लफड़ा क्यों हो गया? क्योंकि भेड़ बकरी चलाने नहीं दे रहे वहाँ पे, कह रहे हैं ये चाइना है, तो उन्होंने कहा कोई चाइना वाइना नहीं है, हमारी बकरी चलेगी, पत्थर फेंकेंगे, पत्थर का लड़ाई चालू। ऐसे नहीं, एक बकरी दे दो उनको अपना और फिर बाकी अपना चराए, ऐसे मतलब पत्थर मारने की क्या जरूरत है? It is important for Chinese people to understand that even if you take the land, the people will never say that they belong to China. They don't want you. They want China. So this is something that we should always keep in mind. ये हमेशा करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में भी PLA वालों को किसने भगाया था? गांव वालों ने डंडा उठा के भगाया था। Okay. अब इस पार्ट को खत्म कर रहे हैं, तो ये आज के एजेंडा में हमारा उल्फा था। क्लास खत्म नहीं हुई है बेटा, इतनी अच्छी किस्मत नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगी क्लास खत्म। भैया सार्थक मजाक उड़ा रहा था, क्या कह रहा था? आशीष बोल रहा था, भैया चले गए, हंस रहा था क्या? चले गए तो मजाक उड़ाया मैंने इसमें, देख लीजिए भैया। गला फाड़ने का मेरे को कोई शौक नहीं है, नहीं पढ़ना है तो बता दो, बात समाप्त करें। नहीं सर, पढ़ाई, मजाक कर रहे हैं। देखा सर, भैया मजाक कर रहे हैं, मैं बताया ना आपको। अरे ये नीतीश कुमार बोल रहा है तुमको, सार्थक ने बोला नीतीश कुमार, आशीष बिहेविंग लाइक नीतीश कुमार। आशीष आर यू फ्रॉम बिहार? नो भैया। Then why you are behaving like Nitish? मैं सिर्फ ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ। That's ये शिंसान का कोई सीन है। I have sent it you. हाँ, तुम्ही ने भेजा था। That was very comical. Yes, yes, yes. It was very good. बहुत apt था वो।
सर ऐसा पार्टी बदलने का पैसा मिलता होगा? हाँ कुछ ना कुछ पर्क्स मिलते ही होंगे डेफिनेटली, बदलोगे तुम और खरीदे जाते हैं अमित शाह के घर में ये सब। अच्छा द वेरी वेरी फेमस पॉलिटिकल कॉनोटेशन इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु कीप्स चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, आया राम गया राम। अच्छा इसी से रिलेटेड एक लॉ है, एक अमेंडमेंट एक्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन, यस एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 प्रपोज्ड बाय राजीव गांधी टू स्टेबलाइज गवर्नमेंट्स, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, नीतीश कुमार वाले मैटर से रिलेटेड। बट आई थिंक दैट दिस इज नॉट रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर बिकॉज इट इज स्टेट स्पेसिफिक न्यूज। लोकसभा इलेक्शंस विल बी देयर दिस ईयर, वी आर ऑल्सो गोइंग टू विटनेस राज्यसभा इलेक्शंस, सर्टन पीपल आर गोइंग टू बी elected in Rajya Sabha, so elections of Rajya Sabha are important. Every 2 years we face that kind of election in Rajya Sabha, and Rajya Sabha and Lok Sabha both elections are going to be conducted. So do you know that Rajya Sabha elections are conducted by Election Commission of India only? That is something that you should always remember. Election Commission of India conducts elections of Vice President, President, Rajya Sabha, Lok Sabha and State Legislative Assembly, whereas the State Election Commission conducts elections of Panchayats and Municipalities. Two different bodies and two different allocations of function, right? Coming to the Indian history wala. Pardon? Sir, is Anup Shetia important to remember? Pardon? Is Anup Shetia important to remember? What is in? Any there? Anup Shetia. याद रहेगा बस, अपने को नाम याद रखना है, दैट्स इट, सिंपल है। I think I have answered it. अब हम आ रहे हैं अपने बोरिंग से काम पे कि हमें स्टैटिक को भी साथ में लेके चलना है और वो जल्दी से जल्दी कवर करना है कि मॉडर्न पीरियड के पे सीधे अभी आ रहे हैं। एंशिएंट में बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियड। पहली चीज़ तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है इसमें वो टाइम पीरियड याद रखना है, 322 से 185 Before common era. Oh, you are clever. Okay. Yes, it's BCE, ठीक है? 322 से 185 BCE है ये era, ये time period याद रखना है। याद क्या रखना है? बस 300 से 150 से 300 से 150 के आसपास। अच्छा मॉरन पीरियड के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि मॉरन पीरियड को इतना इम्पॉर्टेंस क्यों दिया जाता है और ये कैसे इंडिया की हिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेटेड है। जब आप इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आप चार एपिसोड्स को पढ़ते हैं एंशेंट हिस्ट्री। पहला जहाँ पे आप हरप्पा सिविलाइजेशन, हरप्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके बाद आप आर्यन इन्वेजन को पढ़ते हैं कि आर्यनस आए थे और इंडस वैली में सेटल हुए। अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हरप्पा मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोग आर्यनस थे, इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आर्यन ओरिजिन की जो थियरीज हैं, आर्यनस की जो थियरीज हैं, किताबें मिली एंड ऑल ऑफ दिस से रिलेट करते कि कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन इन्वेजन, these Aryans later on you know adopted or changed into Vedic society. So फिर हम advent of Vedic society पढ़ते हैं और Vedic society में तीन stages हैं, early Vedic, medieval Vedic and later Vedic, ठीक है। अच्छा early Vedic में क्या था, copper discover हुआ, तांबे का काम हुआ, महाजनपद बने, 16 महाजनपद बने, मगध उसमें से एक बहुत बड़ा जनपद बनता चला जाता है, मगध का शासन हो जाता है and things like that we have studied. धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में आते आते लोहा भी डिस्कवर हो गया, लोहा भी ढूंढ लिया गया और एग्रीकल्चर पहले एक्सीडेंटली लोग करते थे, फिर एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद एक्सीडेंटल डिस्कवरी के बाद
लोग खेती सिर्फ अपने खाने भर के लिए करते थे, फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, खेती को व्यापक करने लगे, जंगल काटने लगे, क्योंकि लोहा मिल गया तो लोहे से क्या बनाने लगे, हथियार बनाने लगे, जिससे बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ काटे जा सकते हैं। अच्छा, तांबे जो जो कॉपर है वो भी एक मेटल है, लेकिन सॉफ्ट मेटल की तरह आता है। आपने सुना होगा डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी दो प्रॉपर्टीज होती हैं एक मेटल की। तो कॉपर इज अ वेरी सॉफ्ट, कॉपर इज कंसिडर्ड टू बी सॉफ्ट मेटल बिकॉज इज इजली डक्टाइल, मतलब उसको तार में खींचा जा सकता है, उसको शीट्स में बनाया जा सकता है। तो उससे बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे पास टूल्स नहीं बन पाते थे कॉपर से, तो इससे जंगल वंगल बहुत ज़्यादा कट नहीं पा रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में जैसे ही लोहा डिस्कवर हुआ, और लोहा सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ, बिहार के पास। बिहार का पुराना नाम क्या है, मगध, है ना। तो मगध के आसपास जो लोहा मिला उससे ये लोग स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाने लगे, साथ में स्ट्रॉन्ग अपने टूल्स भी बनाने लगे। अच्छा, इसी के टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि चैरियट्स जो हैं, रथ जो है वो आ चुका है, वैदिक सोसाइटी में रथ आ चुका है। और ये रथ का प्रेवलेंट, पहले ये रथ जो थे ये बुलक कार्ट्स की तरह चलते थे, यानी गाय भैंस इनको खींचा करती थी, ऑक्स खींचा करता था, सांड खींचा करता था। फिर घोड़े के आने के बाद ये बुलक कार्ट्स के कार्ट्स को घोड़ों पे बांध दिया गया और इनको चैरियट्स कहने लगे, और रथ कहने लग गए। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए जानना। आफ्टर दिस, आफ्टर द एडवेंट ऑफ गोइंग ऑफ लेटर वैदिक एज, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन केम इनटू पिक्चर। व्हाट इज मौर्या, व्हाई डू वी स्टडी मौर्यास बिकॉज फर्स्ट टाइम इंडिया दैट अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पिक्चर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, किंग है, कुछ काउंसिल्स हैं, कुछ रोल्स एलोकेट किए, पहली बार ऐसा हुआ। इसके पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो रिलीजियस हेड्स, रिलीजियस गुरु, इन लोगों के द्वारा चलती थी। कोई एक स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं था, छोटे छोटे जनपद थे, छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, अपने अपने स्टेट, अपने अपने शहरों को चला रहे थे। ठीक है, पहला मौर्यन को पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रल सिस्टम। दूसरा द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट हैपेंड। तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसीज एंड कॉइंस हैपेंड। पहली बार सिक्के जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए और एक फॉर्मल करेंसी बनाई। और सिक्कों में आपको पता होना चाहिए गोल्ड वॉज नॉट दी मेटल दैट दे हैड यूज्ड, दे हैड यूज्ड सिल्वर एंड कॉपर, हैड यूज्ड सिल्वर एंड ऑल राइट। अब इस टाइम पे, मौर्यास के टाइम पे, मगध साम्राज्य जो है बहुत बड़ा बन चुका है, और वहाँ पे वैदिक सिस्टम, वैदिक सोसाइटी का कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत प्रेवलेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र और वैश्य कम्युनिटी जो है ये ब्राह्मण कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी भी ब्राह्मण कम्युनिटी से हल्का हल्का नाराज है। एक चीज़ को आप ज़रा गौर करिएगा, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म चालू हुए थे, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो चालू किए थे वो क्षत्रियों ने चालू किए। ये क्षत्रिय लोग थे जिन थोड़ा सा ब्राह्मणों से आपत्ति हो रही थी, क्योंकि ये वैदिक सिस्टम को बड़ा रिजिट करते जा रहे, पठन पाठन का काम ब्राह्मण करेंगे, जमीन का काम करेंगे ब्राह्मणों को, जमीन ग्रांट्स पर, ग्रांट्स चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें। और इसी के दौरान आपने देखा कि बुद्धिज़्म शुरू हुआ, बुद्धिज़्म पहले हुआ, जैनिज़्म बाद में हुआ, फैलता चला गया वैश्या क्लास में। वैश्या मतलब थर्ड ऑर्डर, ट्रेडर्स क्लास में। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर का जो टाइम है, लेटर वैदिक एज रही है, कास्ट प्रेवलेंट जो रिजिड वर्ण सिस्टम है उसको लोग चैलेंज कर रहे हैं। से पहले आपने गौतम बुद्ध को देखा, उसके बाद आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। स्टोरी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, वॉज बिलोंगिंग टू अ लोअर क्लास, ही वॉज नीदर अ ब्राह्मण नीदर अ क्षत्रिय, राइट। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नंदा डायनेस्टी आया और तख्त पे कब्जा किया। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपसे आपको बता, यू नो दैट ब्राह्मण्स वर नेवर किंग्स बिकॉज दे कुड नेवर बी, राइट, दे वर ऑलवेज किंग मेकर्स। लाइक चाणक्य, कौटिल्य वॉज अ ब्राह्मण, ही हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द किंग। इट वॉज द रूल, वॉज द ड्यूटी ऑफ द क्षत्रिय टू लीड द स्टेट मिलिटरली, एडमिनिस्ट्रेटिव। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द ब्राह्मण टू असिस्ट द किंग। नाउ हाउ डिड ब्राह्मण असिस्टेड द किंग, एंड वाई वॉज ब्राह्मण कंसिडर्ड टू बी दैट इंपॉर्टेंट एडवाइजर? बिकॉज ब्राह्मण हैड नॉलेज, हैड विजडम, ही हैड आइडिया अबाउट वेदा,
he helped king perform certain rituals and all of this to strengthen, to solidify the position of the king. Brahmins never became kings, they always became kingmakers, but at a certain point of time, lower castes, the lower society people started protest, started to dismantle the prevalent Vedic system. सर राजपूत किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? राजपूत की जो उत्पत्ति है, दिस इज अ वेरी डिस्प्यूटेड, राजपूत की जो उत्पत्ति है, दे कम, दे आर कॉल्ड एज साकाज, क्लैन. साकाज वर इन्वेडर्स, दे वर बेसिकली हर्ड्स, ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल लेटर गॉट एसिमुलेटेड इन टू वैदिक सोसाइटी, राइट? राजपूत दे लेटर गॉट एसिमुलेटेड इन टू वैदिक सोसाइटी एंड दे वर वेरी मच because they were genetically stronger, they were stronger beings. Then Brahmins supported these tribes to outgo an existing kingdom. They occupied the kingdom, then they gave a lot of land to the Brahmins, and Brahmins stated ye Rajput. Rajput matlab raja ke putra, raja ke putra. So these were the traders who were assisting the king. Later on corrupt kings आते चले गए और एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए. ये घुड़सवार थे, इनका जीन तेज था, बड़े बड़े किले बना दिए थे, जैसे चित्तौड़ के किले, मेवाड़ का किला. जैसे मेवाड़ को, मेवाड़ इकलौता ऐसा राजपूतों का क्लैन है मेवाड़, तो राजा मेवाड़ के राजा, क्योंकि मेवाड़ के राजा, मेवाड़ इकलौता ऐसा वो राजपूत का किंगडम है जहाँ मेवार के लोगों ने कहते ना जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया, शादी भी नहीं कराई. भैया भैया, आर राजपूत डिफरेंट फ्रॉम क्षत्रियास और दे बोथ आर द सेम? दे आर डिफरेंट, यस. राजपूत आर डिफरेंट फ्रॉम क्षत्रियास, द ओरिजिन इज डिफरेंट, बट लेटर ऑन बिकॉज दे बिकेम किंग्स, राइट? राइट. सो दे वर रिकॉग्नाइज, दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन क्षत्रिय. ओके. लेकिन आप किसी राजपूत को अगर ठाकुर बोल देते तो वो नाराज हो जाता है. आपको पता होगा कि जैसे लोग सिंह लिखते हैं तो आप बोलो कि वो ठाकुर है, यूपी में बड़ा है कि वीरवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, राजवंशी, वंशी हैं. ठाकुरों में अलग अलग तरीके, क्षत्रियों में अलग अलग है. राजपूत अपने आप को तोमर, देन वी हैव सेंगार, सेंगार, तोमर, चौहान, बेसिकली द राजस्थान वाला, जो राजस्थान वाला थोड़ा सा बुंदेल, मालवा वाला प्रांत. गौर आते हैं और भी हैं, मतलब ये लोग अपने आप को राजपूत मानते हैं. सिंह भी आते हैं, बिहार के जो सिंह हैं ये राजपूत में आते हैं. ये पॉइंट. अब इसमें हमने क्या पढ़ना है? पहला चीज, आपसे कोई पूछे हरप्पा और हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन रूरल थी या अर्बन थी? अर्बन थी ना. यस, इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन. अर्बन सिविलाइजेशन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? हाउ डू वी कॉल एनी सिस्टमाइज्ड? सिस्टमैटिक होती है, सैनिटाइजेशन होता है, प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक लाइफ बेटर होती है, राइट? इनके पास ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउसेस होते हैं, गोडाउन होते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट प्रेवलेंट होता है. ये लोग खाना खाते हैं तो ये मिट्टी का बर्तन, और हाँ वही मैंने बोला ना, संस्कृति ड्रेनेज सिस्टम इज सैनिटेशन, बोल दी बता दिया. उसके बाद इनके पास मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, पास मेटल के भी बर्तन होते हैं, एक ऑर्गेनाइज कल्चर होता है जैसे बता रहे, ग्रेट बात. तो रूरल लाइफ क्या होती है? यस अर्पिता, ट्रेडिंग भी आएगा इसमें, दे आर बेटर ट्रेडर्स. वही मैंने कहा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रेवलेंट, कारीगरी करेंगे कपड़े पे, अपनी पॉटरीज को कलर करेंगे. ये कुछ इंस्टेंसेस है अर्बन वे ऑफ लाइफ. लार्जली टाउन प्लानिंग से देखा जाता है अर्बन है कि रूरल है. दूसरा, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से देखा जाता है कि अर्बन है कि रूरल है. ये चीज़ याद रखिए. अच्छा, दूसरा क्या है, जब रूरल लाइफ स्टाइल पर आप बात करो तो खेत खलिहान, मिट्टी के घर, लकड़ी के घर और गाय गोबर, पशुपालन, ये वाली चीज़ें रूरल लाइफ स्टाइल. तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब देखते हैं अर्बन थी, जब हम वैदिक सोसाइटी को देखते हैं तो रूरल थी. फिर मौर्यास से लेके गुप्तास तक, मौर्यास से लेके गुप्तास तक लगभग 1000 से 1500 साल तक ये लोग क्या थे? रूरल लाइफस्टाइल, दे वर ऑफ रूरल लाइफस्टाइल. उसके बाद
जब मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत आई, मुगल्स आए, वापस से ट्रांजिशन होने लगा फ्रॉम रूरल लाइफस्टाइल टू अर्बन लाइफस्टाइल। अब प्रेजेंट टाइम इंडिया में आपको क्या दिखाई देता है, मिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी देयर एंड अर्बन सोसाइटी इज ऑल्सो देयर। इनफैक्ट एक नया टर्म आता है ररबन, RURBUN, ABN, ररबन एरिया। दीज आर द बेसिकली दोज ट्रांजिशन एरियाज जहाँ शहर है बड़ा और दूर गाँव है, बीच में एक बड़ी सी मार्केट है, ररबन एरिया। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए। फिर जब भी हम किसी पीरियड को पढ़ते हैं, किसी भी टाइम पीरियड को पढ़ते हैं, क्या फैक्ट्स याद, कैसी चीज़ों, जब भी हम शासन को पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, तीन चीज़ें पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या था, राजा था, महाराजा था, राजा के गवर्नर्स थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, क्या तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वो टैक्स कैसे लेता है, कलेक्ट कौन करता है, असेस टैक्स को कौन करता है। टैक्स असेसमेंट और टैक्स कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, बोला तुम जितना भी गेहूं उगाओगे उसका 1/6 दोगे टैक्स, वो कहते हैं असेस कर, टैक्स दोगे। फिर टैक्स कलेक्शन करने वाला तो व्यक्ति दूसरा हो सकता है। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, पोजीशंस देखते हैं, क्या ये पोजीशंस हेरिडिटरी थी, बाप के बाद बेटे को गई, बाद पोते, या ये फेवरेट्स थे रूल राजा के, राजा इनको नॉमिनेट कर, ये चीज़ पे एज अ लॉ स्टूडेंट अब जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे इन चीज़ों पे, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ऑफ प्रीवियस स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर डॉन ऑफ इंडिया, राइट। फिर हम सेकेंड चीज़ इनकी देखते हैं, सोशल लाइफ स्टाइल। सोशल लाइफ स्टाइल में मैरिज, कस्टम्स, लैंड ग्रांट, रिवोल्यूशन, किस तरह का रिलीजन फॉलो करते हैं, पूजा याचना क्या करते हैं, रिचुअल, हम तरह की चीज़ें में। फिर इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ एंड मिलिट्री एक्सपेंशन का बाकी किंगडम्स के साथ आसपास क्या एसोसिएशन, ये हम लोग पॉलिटिकल। फिर इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें पढ़ने, इनके बारे में हमें पता कैसे चला, हाउ डिड वी कम, बिकॉज सी मौर्याज आर 2500 ईयर्स ओल्ड समथिंग, 2300 ईयर्स, 2400, हाउ डिड वी कम अक्रॉस, लिटररी सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटररी सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल, राइट। फिर इन्हें लिटररी सोर्सेज लोगों ने, लोकल लोगों ने लिखी होती हैं, कभी कभी क्या होता है लोकल लोगों ने राजा की प्रशंसा में गीत लिखे हैं, फिर लिटरेरी सोर्स होता है। कभी कभी क्या होता है किसी ने क्रिटिसाइज किया है राजा के प्रशासन, तो वो सोशल पॉइंट ऑफ। कभी कभी क्या होता है फॉरेन से लोग आते हैं, दूसरे आते हैं राजा के कोर्ट में रहते, किताबें लिख के चले जाते हैं, फॉरेन सोर्स। अच्छा, जब हम सोसाइटी को पढ़ते हैं तो उसमें भारत में पाली, प्राकृत और संस्कृत, ये हमने तुमको लास्ट क्लास में बताया, पाली, प्राकृत और संस्कृत, पाली बुद्धम की भाषा थी, जैनियों की आम भाषा थी, किंग की भाषा थी, कोर्ट की भाषा। तो जो भी राजा प्राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा जाता था वो संस्कृत में लिखा, जो भी कहानियाँ लिखी जाती थी जनता के लिए वो प्राकृत में लिखी जाती थी, और बुद्धिज्म की जो पिताका लिखी गई पिताका, अब ये तीन भाषाएं वो पढ़ा जाता है। इसके बाद हम डिक्लाइन के कारण क्यों खत्म, क्या कारण था कि ओरिजिन, फिर पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, प्री एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रिलेशंस, लिटररी सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आता है क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स, किंग्स की क्रोनोलॉजी कभी स्टार्टिंग में नहीं करनी, पूरे सिस्टम को समझने के बाद लास्ट में कैरेक्टर चरित्र जब याद रहता है, नाम को याद करना, आप लोग क्या करते हो उल्टा करते हो, पहले नाम याद करते हो फिर चरित्र समझ। पर्सन को आप समझ लेते हो तो वैसे ही इसी के साथ भी तो आपको कैरेक्टर्स, यस, व्हाट्स देयर इंपॉर्टेंट, देयर रोल्स, कमिंग टू दिस पार्ट, इंपॉर्टेंट क्या है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, वेरी मच कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य से चाणक्य। कौटिल्य के बारे में एक चीज और कही जाती है, ग्रैंडफादर, द फादर एंड द सन बीइंग अशोक,
कि तीन जनरेशन तक ये पॉलिटिकल एडवाइजर, इसीलिए अशोक के दौरान इसको एकदम बुद्धि इतना घुमा देते हैं, अशोक जब कलिंगा का वॉर करता है उसके बाद वो छोड़ के वहाँ पकड़ लेते गौतम बुद्ध को। ये चीज़ कही गई है कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़, दो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटाइज ऑन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन, प्लीज रिमेंबर इट हैज नॉट मेंशनड एनी गांव की क्या स्थिति थी, पुरुष क्या काम करते थे, बच्चे क्या पढ़ते थे, क्या समाज में लेन देन था, लाइक दैट वे ऑफ लाइफ क्या था, कस्टम, इट्स द पॉलिटिकल कंडीशन। कौटिल्यास अर्थशास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये फॉरेन अकाउंट है, दैट इज इंडिका बाय मेगास्त, इंडिका बाय मेगास्त, इंडिका इज अ बुक बाय मेगास्थिनिस, हु वाज मेगास्थिनिस, मेगास्थिनिस वाज वन एम्बेसडर, वाज एन एम्बेसडर कोर्ट ऑफ विच किंग, दैट्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ, मेगास्थिनिस वाज द एम्बेसडर कोर्ट ऑफ विच किंग, गुप्त मौर्य, कहाँ से आया था ये, ग्रीस से आया था, ये ग्रीस से आया, किसने इसको भेजा था, सेलुकस निकेटर ने इसको, सेलुकस ग्रीक का राजा था, राजा था मेगास्थिनिस को, क्यों भेजा रहा होगा, या तो चंद्रगुप्त मौर्य से बड़े घनिष्ठ रिश्ते रहे होंगे, रेड व्रेड होता रहा होगा, शादी वादी हुई होगी, या चंद्रगुप्त मौर्य और मेगा पॉलिटिकल निकेट, बड़ा विध्वंस रूप का जंग हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, निकेटर ने बदले में गुप्त मौर्य ने रात और ये सारे इलाके ले लिए और सेटलमेंट कर, मेगास्थिनिस चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आए थे और उन्होंने किताबें ली, इस किताब में सारे अंश जो हैं, बहुत सारे और भी राइटर्स हैं, डियोडोरस, अरियान, प्लूटार्च, प्लीस्टिस, नाम आपको याद करने, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, सात तरह के कास्ट सिस्टम, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी एंड व्हाट इज द यूजुअल लाइफस्टाइल, उसके बारे में अपने को बताता है, ठीक है, मेगास्थिनिस। अच्छा, उसके बाद एक हज़ार साल बाद ए लिखा गया, ए गुप्तास के टाइम पे ये नाटक था, तो लिखा रखा दत्त ने, क्वेश्चन है मुद्रा रक्षासा वॉज रिटन बाय ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गुप्तास, सर इसमें मौर्यास के बारे में, तो राजा गुप्तास उस टाइम टू रिलीजन वाइव हुआ था, जैनिज्म और बुद्धिज्म आया था, हम लोगों ने जो जो वैदिक सिस्टम है रिफॉर्म किया था, नए तरह के भगवान बनाए, ये आरतियाँ मंत्र बनाए, बोला कि जो भी भगवान को पाना चाहता फिर में आ जाए, भक्ति के भाव से आ जाए, और तमाम गुप्तास के दौर में लिखी, जब कहानी चालू होती है राजा का चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य से किस तरीके से चाणक्य के असिस्टेंस अंदाज को ओवरथ्रो करके आए, क्वेश्चन बहुत गुप्त मौर्य अंदाज और ब्राह्मण क्षत्रियास वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे बिलोंग्ड टू दे हैड अ लॉट ऑफ गुड ब्राह्मण एडवाइजर्स, राइट, वन ऑफ देम हैपेंड टू बी दिस कौटिल्य, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को फर्क से उठा के स्टार बना दिया, फेरी है यहाँ, तो दिस बुक इज अबाउट सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, नॉट टेल अस, याद रखेंगे पॉलिटिकल कंडीशंस वाली कौन सी बुक है पॉलिटिकल कंडीशन, अर्थशास्त्र, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, वेरी गुड, सोशल सिस्टम के बारे में हमने कौन सी पढ़ी, दैट्स इंडिका बाय मेगास्थिनिस और विशाखा दत्त की मुद्रा रक्षा, सोशल इकोनॉमिक, फिर पुराण भी लिखे गए थे इसी गुप्तास के टाइम पे, तो पौराणिक कथाओं में भी मौर्यन किंग्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रेवलेंस है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही था, तो चंद्रगुप्त मौर्य वैदिक सोसाइटी से तो परेशान थे, लो कास्ट के थे वैदिक सोसाइटी, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट नहीं, इट ही डिड नॉट बुद्ध,
बुद्धिज्म की जो किताबें लिखी गई जटाकास, व्हाट आर जटाकास नोन, व्हाट आर जटाकास, दीज आर द स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ, हाँ जब प्रीवियस बर्थ लिए वे ऑफ लाइफ, दैट इज बेसिकली टॉट इन जटाका टेल्स, याद रखेंगे जटाका टेल्स, ठीक है। आपको दिखाई देगा कि सूत पिताका का एक हिस्सा है जटाका, जटाका किताब नहीं जटाका। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, श्रीलंका में दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे, दीपवंसा महावंसा, श्रीलंका में दीपवंसा एंड महावंसा लिखे। इस दीपवंसा और महावंसा में लिखा गया अशोका ने किस तरीके से श्रीलंका में बुद्ध स्प्रेड कर, वंसा दीप और अशोका के बारे में। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दीपवंसा महावंसा में किसका वर्णन नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन, वर्णन अशोका का, यानी कि अशोका के टाइम तक धर्म जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया था, रॉयल पैट्रोनेज, किंग ने बोल दिया बुद्धिज्म फैलाएं, इतना बुद्धिज्म फैलाए 14 बड़े बड़े पत्थर अफगानिस्तान तक जाके उन्होंने, इन पत्थरों में क्या लिखा हुआ था, ये कहते हैं रॉक पिलर एडिक्ट्स। हाँ ये वही पुराण है, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, जिस तरह की पुराण, सेम पुराण, ठीक है। तो दीपवंसा महावंसा श्रीलंका में लिखी भैया, ये रॉक्स के बारे में क्या बता रहे थे, बता रहे हैं उस पर, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट जो हैं उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है दिव्यवादन। आपको ये याद रखना है कि दिव्यवादन, फिर से देखिए अशोका इज एफर्ट्स टू स्प्रेड बुद्ध, तो दिव्यवादन, दीपवंसा महावंसा एंड जटाकास, उत्ता पिता का, द बुद्धिस्ट लिटरेचर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल ऑफ देम आर, ये अपने को याद। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये तो हो गए किताबी ज्ञान, किताब से जो ज्ञान मिला, अब इसके बाद ये आर्कियोलॉजी से, एक्सकेवेशन एंड ऑल से हमें बड़ी ही विचित्र बात है, कुछ बड़े बड़े पत्थर मिले, बड़े बड़े पत्थरों कुछ 10-15 बातें लिखी, और उन 10-15 बातों में जिस भाषा में लिखे हुए थे वो भाषा प्राकृत थी, भाषा प्राकृत भाषा, जो हिस्टोरियंस हैं उनको ये बात पता था, आर्कियोलॉजिस्ट लैंग्वेजेस पढ़ते हैं उनको ये बात पता था कि बुद्धिज्म तो पाली भाषा में, एक नई तरह की भाषा को मिली, पत्थर पे लिखा हुआ जगह पे है, कल रॉक है। आई हैव हर्ड अबाउट बामिया, बामियान बुद्धिज्म, एंड दैट्स लाइक बुद्धिज्म जब स्प्रेड हो रहा था यहाँ से, बस फूड फ्रॉम गैंजेटिक डेल्टा, तो वहाँ पे फैला जाके, दैट्स वन ऑफ द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बामिया बुद्ध का स्टोरी जाने के लिए अपने को जैनिज्म बुद्ध बहुत पीछे छोड़ के मौर्यास पे आ जाए, राइट, हम लोग एडी की तरफ जा रहे हैं विद इट, इंपॉर्टेंट एरियाज को, अशोकन एडिक्ट्स और रॉक पिलर एडिक्ट्स जो है, सवाल पहला पूछा जाए रॉक पिलर एडिक्ट्स कितने, रॉक पिलर 14 रॉक पिलर, व्हाट इज रॉक पिलर एडिक्ट्स, कल बड़ा साइंस वे ऑफ लाइफ। मेरा तुमसे जनरिक क्वेश्चन है, ये जो पत्थर मिले हैं तो फिलोसोफीज लिखी बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है, तो नॉट लार्जली बुद्धिज्म बट डॉक्ट्रीन्स प्रमोटेड बाय द किंग अडॉप्टेड फ्रॉम, क्या लगता है, वाज इट, व्हाट डू यू थिंक, ये फिलोसफीज भैया, हाँ कि आपको ऐसे जीना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लोगों को नहीं, वाज इट बाइंडिंग, नहीं, नो भैया नो, क्योंकि अगर बाइंडिंग होता तो मे बी वो अभी भी होता ही ना उधर, लोग उसको बाइंड होते फॉलो करने के लिए। देखो बाइंडिंग है कि नहीं है ये हमें ऐसे पता चलता है कि अगर नहीं, नॉन कंप्लायंस पे पनिशमेंट हो, नॉन कंप्लायंस पे अगर पनिशमेंट, दीपवंसा महावंसा दिव्यवादन जटाका के बारे में की जाती बुद्धिज्म पिटाई जेल में डाल, ऐसी चीजें मैं गई हैं, जस्ट मॉरल गाइडलाइन देखो
कि मिनिमम वे ऑफ लाइफ है ऐसे जीना, ये हमको समझ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये पत्थरों को ढूंढा किसने? अगेन ब्रिटिशर्स ने, जेम्स प्रिंसेप, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कभी कभी, वो अलेक्जेंडर। यस जेम्स प्रिंसेप, मैं तो सिर्फ ढूंढा था ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ही है सर, 1924 में ढूंढा। हाँ, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इज अलेक्जेंडर, फादर ऑफ, ये लिख सकते हैं आप, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इज अलेक्जेंडर। जेम्स प्रिंसेप तो आई थिंक वाज वर्किंग ऑन रेलवे लाइंस एंड एवरीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स मैपिंग एंड ऑल, उनको ऐसे पता। 1837 में हमें अशोका के बारे में पता, वो भी अंग्रेजों के मतलब। 20th सेंचुरी में जाके हमको ये पता चला कि ये जो मिले हैं ना, ये अशोका ने लिखे। कैसे? एक वर्ड है पियादासी, पियादासी मतलब दास, मतलब जनता, या मतलब प्रिय, ये प्राकृत भाषा है। जनता का प्रिय, लोकप्रिय, और वन हु अडोर्ड, अडोर्ड बाय गॉड, दोनों इसका मतलब। पिया का मतलब मेरा पिया घर आया ओ राम, आर यू फॉलोइंग इट? मेरा पिया घर, तो मेरा पिया घर आया ओ राम जी, गॉड, राइट? तो पिया दासी, बिलवड ऑफ द पीपल, बिलवड ऑफ द गॉड, ये किसके लिए यूज किया जाता था? किस किंग के लिए यूज किया गया? अशोक को यूज किया जाता था, अशोक को पिया बोला जाता था, अशोक को ही बोला जाता था पिया दास। ये अपने को हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज दीज आर प्रोबेबल एमसीक्यूज एरियाज। और ये पता है आपकी एनसीआरटी है, जिसको तुम नजरअंदाज करो अभी तक, एनसीआरटी सर 12th की बुक में था, राइट राइट। चलो अब अशोका के इंस्क्रिप्शन को जेम्स प्रिंसेप ने ढूंढा, राइट? मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन द नेचर ऑफ अशोक प्रोक्लेमेशंस टू द पब्लिक एट लार्ज, ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ देम डिस्क्राइब हिज ओन एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड हिज रिलेशनशिप विद द संघा। प्राकृत भाषा में लिखा गया है, वाज द लैंग्वेज यूज्ड इन देम, लेकिन इसको लिखने का तरीका, जो लिपि है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट। अरोश्ती अरामाइक ब्राह्मी, तीन लिपियां थी। अरोश्ती लिपि उर्दू की तरह है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती, ध्यान रखिएगा, अरोश्ती उर्दू की तरह है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। आप जरा इसका लोकेशन देखिए, क्या लिखा हुआ है, खरोश्ती स्क्रिप्ट में लिखा है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट रीजन आज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में उर्दू चलती है, ये वो वाली भाषाएं हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। खरोश्ती स्क्रिप्ट में नॉर्थ वेस्ट में मिला, अरामाइक स्क्रिप्ट में अपने को वेस्ट में मिला, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट विच इज फ्रॉम, जो हम लोग अभी हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, या इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, ये चीज तो है हेल्प करती है। दिस पीपल स्टडी लैंग्वेजेस, दे हैव टू मेक सेंस आउट। मैं एक बहुत छोटा सा तुमको एग्जांपल बताता हूँ, हाउ दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हेल्प्ड मी इंप्रूविंग रिटेंशन इन माय यूट्यूब वीडियोस, मेरे यूट्यूब वीडियो के ऑडियंस रिटेंशन। तो मैंने क्या देखा, आपको वीडियोज पर रखा था, आई हैव केप्ट माई सेल्फ द राइट साइड। Most of the time when we start reading any PDF or any document, the left to read it from the right. Largely, अगर हम देखें तो हमारा पूरा focus left पे ज़्यादा रहता है than on the right. Left में चीज़ें जो रहती हैं वो हमारे लिए retain करना, याद करना, observation. जब director एक camera को scene देता है, अगर उसको किसी दौड़ते हुए दिखाना है, moving चीज़ को दिखाना है, always show you left to right. क्या किया, अब कौवे को उठा के लेफ्ट शिफ्ट स्क्रीन पे, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ी, पीपल वर नॉट इग्नोरिंग मी, पीपल वर, एंड दैट कॉन्सेप्ट केम, दैट कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इफ वी स्टार्ट लेफ्ट एंड गो टू राइट, इफ यू आर देयर ऑन द लेफ्ट पीपल विल स्टिक टू यू, पीपल विल स्टिक टू यू, दे विल लुक एट यू, सो दे आर ऑल्सो लुकिंग अप द कॉन्टेंट एंड दे आर लुकिंग एट यू। These are the very small, you can peculiar observations again. If you should be well read, okay? But any left to right or right to left ka itna important. So perceive bhi kaise karo. So yahan pe kharoshti ke bare mein yaad rakhiye, wo northwest mein mili.
अरामाइक के बारे में याद रखिएगा, दैट्स रिलेटेड टू ग्रीक एंड. अच्छा उसके बाद वेरी इन फेमस एमसीक्यू पर पूछा जाता है जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन. जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन राजा रुद्र दमन ने लगा, ये याद रखना है रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन के बारे में बात. उसके बाद हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी मिली, ये याद रखिएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी मतलब समझते हो क्या, मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं लेकिन उनको काला रंग दिया गया. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी वॉज फाउंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ व्यास गुप्तास राजा हर्षवर्धन एंड तमाम तरह की चीजें. आपसे पूछेंगे आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पॉटरी वॉज मॉरन एडमिट. अच्छा और घुसेंगे नहीं इसमें, याद हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो जयराम जी क्लैट का पेपर है ना, जीके तो पूछेगा नहीं. ऑल्सो तो आप इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ते थे, इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ते रहेंगे की तरह रटेगा रटन तो नहीं कर, और हो सकता है देने वाले और भी एंट्रेंस देने वाले हैं कारगर साहब, इसलिए मैंने आपके इतिहास को अभी स्टार्ट कर दिया है और हम ये निपटा देंगे बाय द मिड ऑफ अप्रैल. हिस्ट्री मॉडर्न एंशेंट से लेके मॉडर्न तक सब निपट जाएगी द मिड ऑफ अप्रैल. सर यू पीपल आर एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ मे यू पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर मोर एग्जाम्स यूटी चलो या एम एच सी टी देना है तो भरा ही होगा सबने, वहाँ पे आपकी हेल्प आपको याद हो तो ठीक. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर और कॉपर पंच्ड मार्क्ड कॉइन, पंच मतलब समझते हो लोहे को गलाया गोल गोल किया मोहर मारी राजा की छवि, राइट. दे आर फाउंड इन कुम्हार मरार पटना अदर प्लेसेस वेयर बेसिक क्वेश्चन. द रॉक पिलर्स ऑफ अशोका हैव रॉक पिलर्स ऑफ अशोका बट वी डू नॉट नो अबाउट द हाउसिंग पैटर्न्स. दे वांट मिट्टी का घर दे वांट व्हाई. अच्छा मैं आपसे बोलूं कि यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वाज कॉमन ड्यूरिंग मौर्यास, यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वाज कॉमन ड्यूरिंग मौर्यास, स्टेटमेंट इज ट्रू. कॉमन्स है भैया व्हाट इज ट्रू ट्रू. ऑल राइट लेट्स हैव अ वोट फॉर दिस, हाउ मेनी से ट्रू भैया. आई डोंट नो यूजर कॉमन सेंस प्रोसेस दैट वी हैव स्टडीड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट हरप्पा एंड मोहन मिला ना वहाँ पे ईटा मिला ना ईटा मतलब yes. अच्छा ये इतना साल पुराना है कार्बन डेट और यार उसके टाइम पे में कोई बिल्डिंग हिस्ट्री में नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी यूनिवर्सिटी थी अवशेष ठीक है फॉल्स है कि मैंने एक इंस्टेंट लाइफस्टाइल में इस्तेमाल मिट्टी के घर होंगे या लकड़ी के. क्या करेगा ये हजार साल तक टिक पाएगा टीके हो. इसीलिए हमें वे ऑफ लाइफ जो है शहर कैसे ऑर्गेनाइज होता है कोई जानकारी नहीं मिलती पढ़ने के लिए जानने के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की इंडिका विशाखा दत्त की मुद्रा फॉलो करना याद रहेगा आपको. ये क्या ये क्लैट में इंपॉर्टेंट है वायानाद पे केरला के पास एक सब कह रहे इंडस वैली क्या है क्या नहीं है. लेकिन अब ये अशोका के 14 मेजर रॉक एडिट्स के कंटेंट प्रोहिबिशन ऑफ
गैदरिंग्स बात बताओ प्रोहिबिट व्हाट डू यू प्रोहिबिट which is already is being practiced and is condemned largely. Yes, people are not really appreciated. These were the Brahmins who were motivated a lot of and feasting. Oh, okay. Yeah, festive gathering means cult type ka kuch nahi, feasting ka matlab khate bhi the. Okay prasad ki tarah. Okay. Again, okay. Then again, if I say this, then I become leftist. But history says that, haan, baatte the. Yeah. The prohibition of animals. Festive hai. Festive gatherings ko matlab hai tyohar vyohar manana bahut zyada. Daan dakshina karna, avoid karo. For life, ji. Jo maine feasting kaha hai, wo F-E-A-S-T-I-N-G, khana. Okay. So, prohibition of animal sacrifices and festive gatherings, both were banned. Social welfare, respect to Brahman, consideration for elders and animals, appointment of who are Dhamma Master. Sir, jo Dhamma phailate the, jo Brahmans. Not Brahmans. Jo Dhamma phailate the, ja. These were the officers for religion. So the people who went from place to spread the message of, they were called as Dhamma Mahamat. They would be appointed by which king? Ashoka. Maa ki following. Rock inscription. Obviously after Kalinga war. Change of heart in Ashoka happened after Kalinga war. When After, right? अब उसके बाद जो ओरिजिन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसारा है, अशोक है, फिर ये देखो यहाँ पे क्या क्या नाम है, देवनम प्रिया गुर्जरा राज अशोक चित्तूर माइनॉरिटी राज अशोक देवनम पियदासी राजा मगर पियदासी राजा पियदासी ये अशोकवर्धन कांड्स ये चीजें हम लोग लेटर ऑन पेजेस अभी हमने बेसिक और आपको ये सब रॉक प्लेयर एडिट्स कहाँ क्या पाए गए डोंट रीड जस्ट रीड इट गो थ्रू इट दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल क्या है ये वाला रीड इट इसके नोट्स बना लीजिए फटाफट वन लाइनर के और फिर हम लोग सेकंड क्लास में नेक्स्ट क्लास में ओरिजिन को वाले टॉपिक को लेटर मौर्यास को एक साथ पूरा डिस्कस फिर अगले में मौर्यन एडमिट्स एंड बिट्स पर थोड़ा करते रहेंगे लोड भी नहीं आएगा कवर भी कर भैया मैं एक क्वेश्चन था वो जैन उस वाले से ये वैश्य का रीजन क्या था भैया कि वो जैन में कन्वर्ट हुए लाइक क्षत्रियास का तो समझ में आ रहा था कि लाइक उनको बहुत रिजिड लग रहा था ब्राह्मण्स का जो भी तो क्या गैदरिंग दीस पीपल वर गैदरिंग वेल्थ लॉट ऑफ वेल्थ दे वर वेरी प्रॉस्पेरस यस द सोसाइटल स्टेटस समाज में इज्जत उनको ब्राह्मणों की वजह से उस वजह से मिल नहीं रही थी ओके not able to gather that high societal status. Along with this, there was another reason. Another reason was that these people, the Brahmins, actually kya karte the? Jameen do mujhko, daan do mujhko, anaj do mujhko, cattle do mujhko. Vaishya ke liye kya tha? Sari cheeze important thi. Jameen nahi rahega to dhanda nahi rahega. Cattle nahi rahega to gaay, doodh aur kuch nahi paayega. Maas nahi ho paayega. Jo bhi. खेत जमीन नहीं रहेगी तो खेत नहीं रहेगा फिर मैं उपज पैदा करूं मैं ब्राह्मण को दे दूं दान दक्षिणा जस्ट बिकॉज मुझे इज्जत मिलती आजगी हो अडॉप्ट करो दान दक्षिणा तो भगवान भी इज्जत की इज्जत भी और एक बुद्धि was more difficult to practice.
ओके भैया ओके। तो अभी आज हम लोगों ने फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन एडवेंट उल्फा के ऊपर थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन राइट। फर्स्ट एंड सेकंड फरवरी का आपको न्यूज 30:30 कल भेज देंगे राइट। ओके भैया ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच बाय भैया गुड नाइट थैंक यू।